हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे मेरा नाम तान्या शर्मा है मैं इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ क्लास इलेवेंथ ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री पढ़ाने का जिम्मा भी मैंने ही ले रखा है आप लोगों का सो so यार बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे मैम चैप्टर थ्री नोमैडिक एम्पायर्स नोमैडिक एम्पायर्स करा दो क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट दो चैप्टर्स करा चुकी हूँ भले ही इस चैनल पे ना कराए हूँ बट यूट्यूब पर वो जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं मैं इस चैनल पर भी वो दोबारा से ज़रूर डालूंगी बट अगर आपको अभी अर्जेंट देखना है तो आप लोग राइटिंग एंड सिटी लाइफ तानिया मैम करके डालोगे तो आपको दिख जाएगा तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ आपका पहला चैप्टर है रोमन एम्पायर आपका दूसरा है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एनसीआर और तीसरा आपका है नोमैडिक एम्पायर तो ये चैप्टर मैं आज आपको वन शॉट में कराने वाली हूँ एंड बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा अगर आपने मेरे पहले के दो लेक्चर्स दो चैप्टर के सॉरी वीडियो देखे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं किस टाइप से पढ़ाती हूँ बट अगर आप पहली बार हिस्ट्री का मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली यू मस्ट गिव इट अ ट्राई बिकॉज आपको बहुत आसानी से एंड बहुत जल्दी चैप्टर समझ में आ जाएगा तो शुरू करती है बच्चों चैप्टर थ्री नोमैडिक एम्पायर्स और इसके लिए मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज तुमने बोला और मैंने किया ठीक है अभी मतलब आया अभी अभी मैंने चैनल खोला है तो आई वॉज लाइक वेरी मच इन टू इंग्लिश कि मुझे अभी फिलहाल इंग्लिश पे फोकस करना है बट क्योंकि तुमने इतना ज्यादा बोला कि अभी भी संडे को रात में नौ बजे में ये ये रिकॉर्ड कर रही ठीक है सो आई नीड बहुत सारा प्यार इन द कॉमेंट सेक्शन अभी फिलहाल के लिए शुरू करते हैं बच्चों नोमैटिक एम्पायर देखो यार टर्म ही कॉन्ट्रोडिक्टी है कॉन्ट्रोडिक्टी मतलब अपोजिट है ठीक है नोमैडिक हमें पता है नोमैड्स जो कि एक जगह पे कभी भी बसते नहीं है यहाँ से वहां वहां से यहाँ होते ही रहेंगे अपोजिट है, तो है, है इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने ही ये वाले है कि जो नोमैड्स हैं स्पेसिफिकली सेंट्रल एशिया के है ना मंगोल्स की हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर के अंदर कि जो मंगोल्स था उनका एक ट्राइब था नोमैडिक ट्राइब है यानी कि उनका कुछ फिक्स नहीं था वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड ये वो है ना इधर-उधर जाते रहते थे बट उन्होंने कैसे अपना एंपायर एस्टेब्लिश किया अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान ठीक है कैसे उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा राज्य एस्टेब्लिश कर लिया ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है और ये पूरी की पूरी चीज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बच्चों पढ़ने वाले हैं मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ पूरी लाइन मैं स्किप नहीं करूंगी शुरू करते हैं बच्चों तो देखो यार, जैसे की मतलब वो वाली चीज की भाई जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं इन द सर्च ऑफ फूड या लाइवलीहुड और एम्पायर हो गया हमारा एक तरीके से रूल बोल लो है ना किंगडम बोल लो भाई एक तरीके से राज्य बोल लो तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अपोजिट है इस चैप्टर के अंदर आपको एक ग्रुप ग्रुप है ना किस चीज का का मंगोल्स. मंगोल्स सेंट्रल एशिया के मंगोल्स के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अपना एक ट्रांस कंटिनेंटल ट्रांस कंटिनेंटल क्या होता है फैला हुआ अलग अलग, अलग कंटिनें में जैसे हमने रोमन एम्पायर के बारे में देखा था कि भाई वो पूरे

ठीक है इन मंगोल्स ने क्या करा इनका एक लीडर था चंगेज खान उसकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने अपना एक बहुत विशाल राज्य एस्टैब्लिश कर लिया जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप को भी ले लिया एशिया को भी ले लिया ना जिसे हम यूरेशिया बोलते हैं कब की बात है ड्यूरिंग थर्टींथ एंड फोर्टीन सेंचुरी तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से किस मैनर में मंगोल्स चंगेज खान के अंडर जो मंगोल्स थे उन्होंने क्या करा अडेप्ट किए ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम ताकि वो यू नो अपनी एक मिलिट्री स्टेब्लिश कर पाए अपना एक सोफिस्टिकेटेड मेथड यानी बहुत अच्छा मेथड ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंसट्लिश कर पाए अब यार ऑब्वियसली अगर वो एम्पायर बना रहे हैं तो उन्हें एक न, कोई ना कोई प्रोसेस तो चाहिए ना जिससे वो गवर्न कर पाए नोमैडिक थे जब तक जब तक नोमैक्स से तब तक तो एक जगह से दूसरी जगह भटक लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अभी क्या हो रहा है अभी ये लोग अपना एम्पायरिश करेंगे है ना तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से भाई इन्होंने अपने सोशल किस तरीके से इन्होंने अपने पॉलिटिकल कस्टम्स यू you नो know, यूज करे कि एक मिलिट्री स्टैब्लिश हो जाए एक अच्छा मेथड ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंसटेब्लिश हो जाए तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं तो आप पहले फोटो देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात करने वाला एक इमेज आप अपने दिमाग में बिठा लो

हमारा जो राज्य है वो फैला हुआ होगा है ना हम यूरोप को भी ले रहे हैं अपने अंडर हम एशिया तो ओ, जाहिर सी बात है बच्चों अलग अलग वैरायटी अलग अलग टाइप के लोग हमें मिलेंगे तो यहाँ पर यही लिखा है बच्चों कि ये जो चैलेंज था ना रूल करने का क्या रूल डोमिनियन क्या होता है पावर जमाना अपनी पावर जमाना किस पे पावर जमाना स्पैनिंग मतलब फैला हुआ क्या फैला हुआ ये जो मिक्स्ड वैरायटी ऑफ लोग हैं जो फैले हुए हैं इन पे अपनी पावर जमाना एक तरीके का चैलेंज ही था ठीक है इकोनॉमीज एंड कन्फेशनल सिस्टम कुड नॉट सिंपली इंपोज स्टेपी क्या होता है मैंने आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ में भी बताया था है ना? तो भाई सेंट्रल <coughs> एशिया तरफ ये लोग रहते थे ठीक है तो स्टेपी क्या होते जनरली प्लेन एरियाज़ तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि इनके जो ट्रेडिशनल पहले के जो बातें चलती आ रही है जो इनके कस्टम चलते आ रहे हैं जो इनके ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं ये सिंपली अपने ट्रेडिशन उन लोगों पे नहीं थोप सकते थे जिनको ये अपने अंडर ले रहे हैं चलो ये सब भूल जाओ मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को मैंने कुछ बच्चों को पहले भी एग्जाम्पल दिया है मान लो मेरे को किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया ठीक है मान लो ऐसी वैसे मेरी प्रिंसिपल वाली पर्सनैलिटी नहीं है पर मान लो ठीक है अब मैं क्या? मैं क्या अपनी एक सोच जैसी मैं हूं वैसी मैं जा रही हूं अब स्कूल के अंदर मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे मैं अगर पूरी की पूरी अपनी सोच उन उनप थोप दूंगी तो क्या मैं उन उनपे अपना कंट्रोल जमा पाऊंगी नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा अपना चलाना पड़ेगा थोड़ा अपना इनोवेट करना पड़ेगा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा राइट तो यहां पर भी यही लिखा है बच्चों कि बहुत ज्यादा मिक्स्ड वैरायटी ऑफ पीपल थे इन पे रूल करना इन पे पावर जमाना एक तरीके का चैलेंज था ठीक है और इसका क्या मतलब था कि जो मंगोल्स थे वो सिंपली अपने ट्रेडिशंस इन पे इम्पोज नहीं कर सकते इन पे लाद नहीं सकते ठीक है ओवर देयर रिसेंटली एनएक्स टेरिटरीज एनएक्स मतलब किसी को अपने कब्जे में लेना टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री है ना फोर्सफुली जिन जिन टेरेटरीज को इन्होंने अपने कब्जे में लिया है उन पर ये अपने ट्रेडिशंस थोब नहीं सकते थे तो इन्होंने भाई कहीं कहीं पर इनोवेट भी किया कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज भी किया और एक ऐसा नोमैडिक एम्पायर बनाया जिसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा किसकी हिस्ट्री पर किसके इतिहास पे यूरेशिया, यूरोप और एशिया के हिस्ट्री पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा इस का, नोमैडिकोसाइटी फॉर एवर क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी भी बदल ली ना कहने का क्या मतलब है प्रिंसिपल वाले एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ देखो मैंने क्या बोला कि मैं वहां गई स्कूल में मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया मैंने थोड़ा सा इनोवेट करा अब भले ही इससे मेरी पर्सनालिटी चेंज हो रही हो यानी कि जो मैं हूं भले ही लोगों को मैं चेंज्ड दिख रही हूं बट मैंने वो किया तो ऐसे ही जो इनकी जो मंगोल्स की पूरी की पूरी सोसाइटी थी है ना भले ही आउटसाइडर्स को लग रहा हो अरे ये तो ऐसे नहीं थे ये भी चेंज हो रहे थे ना इन्होंने अपनी सोसाइटी का कैरेक्टर ही बदल लिया समझ में आया इनको रूल करने के चक्कर में तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं अब आ जाते हैं वैसे ही बच्चों यहां पर में हमें इनके बारे में कैसे पता चला देखो ये जो लोग थे ना स्टेपी डुवलर्स, मतलब डुवलर्स कौन होता है जो एक जगह पे रह रहा है ठीक है तो ये जो मंगोल्स थे जो ट्राइबल लोग थे अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखा यहां तक कि आप मानोगे नहीं चंगेज खान ने किसी को अलाउ भी नहीं किया था कि वो उसकी फोटो खींचे जब तक वो जिंदा था उसके मरने के बाद जिन लोगों ने देखा होगा जो किया होगा तो उसकी फोटोज बनाई गई वरना उसने किसी को अलाउ भी नहीं किया था कि आप उसकी फोटो खींचो या बनाओ उस, उस समय तो बनाओ ठीक है तो यहां पर इन्होंने अपने इतिहास के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं करी तो हमारी जितनी भी नॉलेज है नोमैडिक सोसाइटीज पे वो आती है क्रॉनिकल से क्रॉनिकल्स आपको पता है ना रिटर्न टेक्स जितने भी है हिस्ट्री को लेकर ट्रेवलॉग यानी कि जो लोग वहां ट्रैवल करने गए उन्होंने आकर लिख दिया उससे हमें पता चल जाता है डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाता है ना जिन लोगों को थोड़ा लिटरेचर वगैरह में इंटरेस्ट है उन्होंने लिख दिया तो उससे हमें पता चल जाता है अब इन्होंने क्या करा बच्चों क्योंकि अब सोचो मैंने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा बट मेरे बारे में दूसरे लोग लिख रहे हैं तो अब उन दूसरे लोगों ने क्या करा बच्चों उन्होंने एक्सट्रीमली इग्नोरेंट और बायस रिपोर्ट्स दी नोम लाइफ के बारे में किसी को भाई अच्छे लग रहे थे लोग किसी को अच्छे नहीं लग रहे थे सब अपना नजरिया बेसिकली वहां पर लगा रहे थे सब अपने नजरिए से लिख रहे थे क्योंकि हमें तो एनीवे anyway, वे उनका नजरिया नहीं पता ना उन्होंने इतना लिखा ही नहीं तो सब लोग क्या कर रहे थे बायस रिपोर्ट्स दे रहे थे नोमैडिक लाइफ के बारे में

अब आगे क्या हुआ बच्चों ये जो इंडिविजुअल्स थे ना ये बहुत तरीके तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं ठीक है बुद्धिस्ट हो गए कॉन्फिशियर ये भी एक तरीके का आप रिलीजन मान लो ठीक है भाई है कुछ लोग क्रिश्चियन थे कुछ टर्किश थे कुछ मुस्लिम थे तो अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पर गए हुए थे अब ये जो लोग थे जरूरी नहीं है कि इन्हें मंगोल के जो रीति रिवाज है जो कस्टम्स है ये उनसे फेमिलियर है ऐसा नहीं है बट इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिम्पथेटिक अकाउंट्स लिखे सिंपति भरी चीजें लिखी है ना उनके मंगोल्स के लिए इवन यूलॉजीज ये क्या होता है अच्छी अच्छी बातें लिखना राजा के बारे में इन्होंने ये भी लिखा तो अब आप ये मान लो कि एक तरीके से मान लो कि भाई बहुत सारे लोग गए अब कुछ लोगों ने क्या करा गुड चीजें लिखी कुछ लोगों ने बैड चीजें लिखी ठीक है ना बायस रिपोर्ट्स तो वैसी थी अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो इन्होंने सिंपथेटिक अकाउंट्स प्रोड्यूस करे ना ये एक तरीके से चैलेंज थे क्या चैलेंज थे जो हॉस्टाइल हॉस्टाइल मतलब क्या होता है बहुत ही जुल्म भरा अकाउंट है ना जिन लोगों ने बहुत ही हॉस्टाइल अकाउंट लिखे हुए थे कि भाई ये बहुत, ये लोग बहुत बहुत लोग जुल्म करते हैं या फिर सिटी बेस्ड बेस्ट क्या होता है एंग्री स्पीचेस गुस्से भरी बातें जो मंगोल्स के बारे में लिखी हुई थी अगेंस्ट द स्टेपी ये क्या होता है जो लोग रेड वगैरह करते हैं कि जहाँ जाते हैं सामान लूट आते हैं ये लोग तो ऐसी हैं तो कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी लिखी थी कि लूटपाट मचाते हैं लोगों को मारते हैं बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है चंगेज इसका अब जिन लोगों ने सिंपथेटिक अकाउंट लिखा तो एक तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टी हो गया बहुत चैलेंजिंग हो गया कि कुछ लोग तो सिंपथेटिक अकाउंट लिख रहे हैं कुछ लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी बुरी बातें लिखी है इनके बारे में अब आगे क्या हुआ आगे बताया गया बच्चों कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसर्च जो मंगोल्स पे की गई ना वो रशियन सेंचुरीज में द सारिस्ट स्ट्रेजा कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर सेंट्रल एशिया कहने की क्या बात है देखो समझो बात हो रही है एटीनथ और नाइनटीन सेंचुरी की ठीक है तो एटींथ और नाइनटीन सेंचुरी में ना रशिया में मान लो ये रशिया है इसमें एक राजा हुआ करता था राजा का नाम है सार तो इसने मतलब अपने रूल्स इसके रूल्स चल रहे थे तो इसने क्या करा इसने सेंट्रल एशिया को अपने अंतर्गत ले रखा था ठीक है अब आप मान लो कि भाई ये रशिया है इसने क्या करा इसको भी अपने ही कंट्रोल में ले लिया तो जो यहाँ पर स्कॉलर्स थे वो इस तरफ जाने लगे सेंट्रल एशिया में जाने लगे है ना मैं आपको अंग्रेजों का एग्जाम्पल देती हूँ अंग्रेजों ने क्या करा भारत पे रूल कर लिया भारत को अपने रूल के अंडर ले लिया

ये कलोनिया मिल रही है इसका क्या मतलब है कलोनी क्या होता है अब जैसे अंग्रेजों ने हम पे रूल किया था इंडिया पे तो इंडिया क्या थी उनकी एक कॉलोनी थी ठीक है तो अगर मान लो वो अगर आते हैं क्या वो अपने आप को छोटा दिखाते नहीं वो हमारी ही बुराई करते कभी जो रूल कर रहा है अगर उन्हीं के देश से कोई आ रहा है कि वो अपने आप को छोटा दिखाएंगे नहीं बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने क्या करा बहुत ही बायस रिपोर्ट्स लिखी केवल अपने आप को ही सुपीरियर दिखाया ऐसे ट्राइबल लोगों के बारे में बहुत बायस रिपोर्ट लिखी ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर ट्रेवलर्स जाते वो लिखते सोल्जर्स मर्चेंट्स एंटीकेरियन मतलब कि जो एंटिक्स वगैरह की सर्च में जाते सब लोगों ने अपनी अपने हिसाब से अपनी अपनी रिपोर्ट्स लिख दी अब अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हुआ सोवियत रिपब्लिक आ गया यूएसएसआर आ गया है ना ये जो सार वगैरह था ये सब खत्म हो गया अब यूएसएसआर जब आया तो एक नई मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मार्क्सिस पता होगा ना कार्ल मार्क्स के जो फॉलो करता है पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा होगा है ना तो इसके आइडिया के अकॉर्डिंग क्या था भाई ये ज्यादा भेदभाव नहीं करते इनका इकोनॉमिक साइड ज्यादा था कि भाई कोई गरीब अमीर ना हो ना इस टाइप की इनकी कुछ फिलोसफी अब इन्होंने क्या बोला कि जो प्रेवलेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना यानी कि आपका किस तरीके से काम चल रहा है क्या प्रोडक्शन है आपका है ना क्या मोड ऑफ प्रोडक्शन है किस तरीके से आप काम कर रहे हो कि पैसा आ रहा है ये डिटरमाइन करता है आपके सोशियल रिलेशन कोई बहुत अच्छा किसी का धंधा चल रहा है वो अमीर है किसी का नहीं चल रहा वो गरीब है तो ये जो सोशियल रिलेशन है ये किससे डिटरमाइन हो रहे हैं कि कोई क्या काम कर रहा है ठीक है ये चीजें यहाँ पर होने लग गई अब क्या हुआ बच्चों इट प्लेस चंगेज खान एंड अमर्जिंग मंगोल एम्पायर विद इन द स्केल अब क्या हुआ ये लोग अपने ट्रांजिशन पीरियड में थे बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई इनके ना ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन मतलब पहले तो ये लोग ट्राइबल थे अब क्या हो रहा है अब एक फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है बच्चों कि पहले तो ये लोग क्लासलेस सोसाइटी थी कोई क्लास नहीं था कोई लॉर्ड नहीं है इनके ऊपर कोई पीजेंट नहीं है खुद ही एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे तो ये क्या ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे है ना बट अभी क्या हो रहा है अभी यहाँ पे लॉर्ड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे ओनर्स ऑफ द लैंड भी हो रहे हैं पीजेंट भी हो रहे तो एक तरीके से यहाँ पर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन चालू हो रहा है ठीक है अब एक्सीलेंट रिसर्च की गई मंगोल लैंग्वेजेस के ऊपर उनकी सोसाइटी के ऊपर कल्चर्स के ऊपर अब यहाँ पर आपको स्कॉलर्स के नाम दे रखे कि भाई किन किन स्कॉलर्स ने क्या क्या अपनी रिसर्च करी ठीक है तो एक बोरिस वालादिमिरफ करके थे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी रिसर्च दी कि भाई इनकी लैंग्वेज क्या थी इनकी सोसाइटी क्या था इनका कल्चर क्या था इस टाइप की इन्होंने रिसर्च दी अब कुछ और भी थे जैसे कि यहाँ पर वैसली बाटोल्ड था इसने ना

है ना ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया बट जिन्होंने नहीं पढ़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है ना तो वो भिड़े को जानते हो ना भीड़े। एक कम एफ सेक्रेटरी है 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 ना अब ये भीड़े है, ये जेठा लाल है। ठीक है? यहीं पर तुम अपना तारक मेहता लिख लो हाथी वाती सोडी सब इनकी साइड है अब मान लो इनकी लड़ाई चल रही है ठीक है इनकी क्या चल रही है लड़ाई चल रही है आपस में अब यहां मैं गई इनकी सोसाइटी में तान्या चली गई ने जाकर इनको सिंपथाइज मतलब इनकी तरफ सिंपति दिखा दी जेठालाल की तरफ के भाई भीड़े गलत कर रहा है तो 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 ये लोग और तो और थोड़ा हवा में आ जाएंगे राइट right हाँ रॉन्ग भाई अब तो ताना ने भी बोल दिया बाहर के बंदे ने बोल दिया अब तो हम सही हैं अब चलो अपनी अलग अलग सोसाइटी अपन बसाते हैं समझ रहे हो यहाँ पे क्या बात हो रही है तो ये जो था राजा ये बहुत ज्यादा कंसर्न था कि कोई भाई मेरे से अलग होकर अपना देश ये लोग ना बसाने लग जाए लड़ाइया हो जाएंगी तो इसी बीच में क्या कर दिया ये जो स्कॉलर था बाटोल्ड इसने बहुत ही सिंपति भरा है ना बहुत ही पॉजिटिव किसको लेकर मंगोल को लेकर चंगेज खान को लेकर बहुत ही पॉजिटिव अकाउंट इसने सामने रख दिया तो फिर ये ट्रबल में आ गया परेशानी में आ गया इसका जो काम था कटेड मतलब रोक देना तो इसका ये जो वर्क था ना स्कॉलर का इस काम को रोक दिया गया और नाइनटीन सिक्सटीज में जब थोड़ा लिबरल हुई लोगों की सोचा ना थोड़ा सा फ्रीडम आया उसके बाद नाइन वॉल्यूम्स में इसके काम को पब्लिश किया गया ये यहां पर बता रखा है ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर अब क्या हुआ बच्चों ये जो स्पैन था यानी कि जो फैला हुआ एकदम मंगोल एम्पायर था इसका मतलब ये भी भी था कि भाई जो सोर्सेज वो भी तो अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे है ना अब भाई कोई बंदा कोई लैंग्वेज बोलता है कोई बंदा कोई तो सोर्सेज भी अब अगर सबने लिखे हैं मान लो मेरे साथ और दस लोग गए सब अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे तो ट्रांस कंटिनेटल जितना एम्पायर फैला हुआ है है ना इसका ये भी मतलब है कि जो सोर्सेज हैं स्कॉलर्स के पास वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं ठीक है सबसे भाई अब वो चाइनीज भाषा में भी है मंगोलियन में भी है पर्शियन में भी है अरेबिक में भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इटालियन में भी है लैटिन में भी है फ्रेंच में भी है रशियन में भी है तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में इनके बारे में लिखा हुआ है अब आप ये मान लो कि अगर मेरी किसी को बायोग्राफी लिखनी है ठीक है तो वो हिंदी में भी लिखेगा इंग्लिश में भी राइट right? बट चीजें तो सेम होंगी कंटेंट तो सेम होगा मैं कहाँ पैदा हुई कितने साल की हूँ क्या करती हूँ वो तो सब सेम ही होगा ना कंटेंट तो अलग नहीं हो सकता एक बंदे का बट यहां पर क्या था कि भले ही सेम टेक्स्ट दो लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका कंटेंट भी बच्चों कभी कभी अलग हो जाता था ठीक है उसका जो कंटेंट है वो भी डिफर करने लगता था ठीक है फॉर एग्जाम्पल मंगोलियन और चाइनीज वर्जन जो है ना अर्लियस्टिव के यानी कि जो चंगेज खान के ऊपर लिखा गया है एक तो मंगोलियन वर्जन है और एक चाइनीज वर्जन है ठीक है उसका टाइटल भी आपको बता रखा है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स ये बोला गया अंदर से बहुत डिफरेंट है अब बताओ एक ही बंदा चंगेज खान मंगोलियन में भी लिखा चाइनीज में भी तो कंटेंट अलग क्यों है ऐसे ही जो इटालियन और लैटिन वर्जन है एक और था मार्को पोलिस के बारे में लिखा है कि वो गया होगा मंगोल कोर्ट के बारे में उसने आकर अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखे वो भी मैच नहीं करते यानी कि जो इटालियन वर्जन है जो लेटिन वर्जन है वो भी आपस में मैच नहीं करता तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी और ये क्यों आ रही थी क्योंकि खुद उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था ठीक है तो अब जो मंगोल्स है उनकी साइड से बहुत कम बहुत कम लिटरेचर हमारे सामने आती है एंड देवर रिटर्न अबाउट यानी कि दूसरे लोगों ने इनके बारे में ज्यादा लिखा है है ना फॉरेन लोगों ने इनके बारे में ज्यादा लिखा है तो इसकी वजह से जो बेचारे हिस्टोरियंस थे उन्हें कभी कभी फिलॉजिस्ट भी बनना पड़ता था फिर ये कौन होते हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते यानी कि हिस्टोरियंस भी हैं और वो देखते थे कि भाई इन्होंने ये लिखा हुआ है तो अब वो लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं है ना कि भाई ये क्लोजेस्ट मंगोल लोग जो भी वर्ड यूज करते थे उसमें क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है तो कभी कभी उन्हें ये दिक्कतें भी आती थी ठीक है तो अब बच्चों और भी बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स हैं इन्होंने भी द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स पे काम किया है ठीक है इन्होंने मंगोल एंड टर्किक टर्मिनोलॉजीज पे काम किया है दैट इनफिल्ट्रेटेड इन टू द पर्शियन लैंग्वेज ब्रिंग्स आउट द डिफ़िकल्टीज इन तो इन्होंने कुछ काम ऐसे ही लिखे हैं जिस काम में जिसमें एक स्पेसिफिक बुक में यही बताया गया है कि भाई कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी ये जो हिस्ट्री है ना सेंट्रल एशियन नोमैट्स की इसे पढ़ने में ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं ये जो दो तीन नाम दिए हुए इन्होंने स्पेशल इसी पर लिखा है बच्चों कि हमें कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी इनके बारे में पढ़ने में क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं है समझ में आया सो आई होप बच्चों कि यहां तक हमें पूरा का पूरा क्लियर है आई होप इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है ठीक है अब आगे चलते हैं बच्चों अब हम करेंगे अब इसका इंट्रोडक्शन हमने बेसिक समझ लिया कि हम लोग पढ़ने के वाले हैं अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन अब क्या हुआ बच्चों अर्ली थर्टीन सेंचुरी में ना जो बाकी के राजा थे जो यूरोप और एशिया साइड के राजा थे ना उन्हें डर लगने लग गया अब आप बोलोगे मैम डर क्यों लगने लग गया भाई देखो अगर मान लो कोई भी एक पावर है ठीक है और यहाँ पे अलग अलग एम्पायर है अब ये क्या हो रही है ये जो पावर है ना ये फैलती जा रही है फैलती जा रही है फैलती जा रही है तो इन लोगों को डर लगेगा कि नहीं कि भाई ये पावर तो हमें भी अपने अंदर ले ले राइट और रॉन्ग तो यहां पर भी यही हो रहा था जो ग्रेट एम्पायर्स थे ना कहा के ग्रेट एम्पायर्स यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया के जो बड़े बड़े एम्पायर थे अब उन्हें डर लग रहा था ठीक है उन्हें डेंजर फील हो रहा था किससे चंगेज खान से क्यों क्योंकि उन्हें लग रहा था भाई वहां स्टेपीज में है ना वहां पे सेंट्रल एशिया में कौन है चंगेज खान है जो अपनी पावर को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो जो बाकी के एम्पायर है अब उन्हें एक डर सताने लग गया था दूसरी तरफ चंगेज खान क्या कर रहा था वो सारे मंगोल पीपल को यूनाइट कर रहा था उसे पता था उसमें इतनी अकल थी कि लोगों को यूनाइट करूंगा तभी आगे तक जा पाऊंगा हमारा जो भारत है वो यूनाइटेड नहीं था है है ना जो यहां के राजा थे वो नहीं थे वो नहीं और और तभी अंग्रेज शायद हम पे रूल कर पाए राइट रॉन्ग बिल्कुल करेक्ट है। उनका यही तो था ना डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला कि भाई राजाओं को अपने आपस में लड़वा दो उसके बाद इन पे अलग अलग करके अपन रूल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि चंगेज खान क्या कर रहा था उसका पूरा का पूरा ध्यान था कि मेरे को मंगोल्स को क्या करना है यूनाइट करना है

अब बच्चों यहां पर लिखा है कि वो अमर तो है नहीं जाहिर सी बात है एक ना एक दिन तो मरेगा तो उसका जो पूरा का पूरा लाइफ टाइम है ना वो किस चीज में बीत गया वो इन मंगोल टाइप्स को एक करने में ठीक है उसके बाद जितने भी उसके कैंपेन है या जितना भी उसकी पावर है उसको स्ट्रेच करने में निकल गया उसने कुछ एरिया नॉर्थ चाइना के कुछ ट्रांसियाना के कुछ अफगानिस्तान के ईस्टर्न ईरान के रशियन स्टेप इसके ये सब एरियाज उसने अपने अंडर करे अब जब उसकी डेथ हो गई तो इसके जो आगे का विजन है जो उसकी आगे पीढ़ियां थी उन्होंने आगे बढ़ाया भाई इनके में तो बहुत ज्यादा ये अलग अलग शादियां करते थे फिर उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे है ना तो इसके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने क्या करा? इसके विजन को आगे बढ़ाया जो चंगेज खान का विजन था इसको आगे बढ़ाया और एक लार्जेस्ट एम्पायर पूरे वर्ल्ड का इन्होंने क्या कर दिया बच्चे पार्टी क्रिएट कर दिया अब यहां पर ना एक स्पीच दे रखी है आप लोगों को शायद ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ माय कैमरा बट आपके एनसीईआरटी में एक स्पीच दे रखी एक एग्जांपल दे रखा है ठीक है ये स्पीच किसकी है आप लोग अपनी बुक्स खोल के देख सकते हो ये जो स्पीच है ना ये है चंगेज खान का एक ग्रैंड सन था मोंगके इसके बहुत सारे ग्रैंड सन थे जाहिर सी बात है तो उनमें से एक था मोंगके इसने क्या करी धमकी दी एक फ्रेंच रूलर को लुएज नाइन को ठीक है ये धमकी दे रहे और इस स्पीच से दिखाया गया है कि कितना ज्यादा बड़ा माना जाता माना जाता था चंगेज खान को ठीक है ये यहां से दिखाया गया तो देखो ये क्या बोल रहा है बोल रहा है कि हेवन में ना केवल एक एक ही टर्नल स्काई है यानी कि अगर आप आओ तो पूरे में एक ही स्काई है और अर्थ पे भी केवल भगवान ने एक ही लॉर्ड को भेजा है और वो लॉर्ड है चंगेज खान सन ऑफ हेवन आप देख रहे हो कितने भारी भारी वर्ड यूज कर रहे हैं चंगेज खान के लिए उसका ग्रैंड सर तो बेसिकली सुप्रीमसी दिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई ऐसे नहीं है सिर्फ नाम से चंगेज खान का खौफता नहीं बल्कि आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक लेटर में उसने कितनी भारी भारी धमकी दी थी लुएस नाइन को ठीक है तो वो क्या बोल रहा है बोल रहा है जैसे सन एक होता है जैसे आसमान एक होता है वैसे चंगेज खान भी धरती पर केवल एक ही है इसके बाद वो ये भी बोल रहा है हो सकता है कि इस रूलर ने उसकी कोई बात ना मानी हो वो ये भी बोल रहा है कि वेन यू हैव अंडरस्टूड द डेक्री ऑफ द हेवन यू आर अनविलिंग टू पे अटेंशन एंड बिलीव इट कंट्रीज फार अवे ठीक है तो वो लुइज नाइन को बोल रहा है कि भाई तुमने क्या करा हमारी बातों पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया ये जो अटर्नल पावर है उस पर बिल्कुल भी तुमने अटेंशन नहीं दिया और तुमने हमें क्या बोला कि तुम्हारा जो कंट्री है वो तो बहुत दूर है तुम्हारे जो माउटेन्स है वो ऊंचे-ऊंचे तुम्हारी जो सी है वो बहुत फैली हुई है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ है ना इसी ज्यादा बहुत ही ज्यादा घमंड के साथ तुम हमारे पास आए है ना हमारे आर्मी जो तुम्हारी आर्मी थी उसे तुमने हमारे अगेंस्ट कर दिया तो बोलता है हम हमें पता है हम क्या कर सकते

No, uh, किसी को धमकी दे दी नहीं आप देखोगे 1236 से 41 में बहुत सारे कैंपेन्स हुए इसका एक दूसरा सन था बाटू। उसने क्या करा उसने पूरे के पूरे रशियन लैंड्स को यू you नो know, डिस्ट्रॉय कर दिया मॉस्को तक पोलैंड उसने अपने कब्जे में ले लिया ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जगह उसने क्या कर ली अपने कब्जे में कर ली तो ये खाली एम टी थ्रेट्स नहीं थे बल्कि चंगेज खान के बाद उसके पोतों ने भी उसके विजन को आगे बढ़ाया अब थर्टीन सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ ऐसा लगने लगा बच्चों की जो एटर्नल्स का है यानी कि जो भगवान है ना वो खुद मंगोल्स की तरफ है एंड मैनी पार्ट ऑफ चाइना हो गया मिडल ईस्ट हो गया यूरोप हो गया इसमें सब क्या होने लगा चंगेज खान जीतने लगा ठीक है वो हर जगह अपना जो रूल था वो फैलाने लगा चाहे वो चाइना हो जाए चाहे वो मिडल ईस्ट हो जाए चाहे वो यूरोप हो जाए और वहां के जो लोग थे ना उन्होंने इसको क्या समझा उन्होंने सोचा कि ये भगवान का गुस्सा है है ना जैसे जजमेंट डे पर होता है ना कि ऊपर बोलते हैं सबका हिसाब होगा जिसने गलत कर्म करें जिसने सही कर्म करें तो उन्हें भी ये लगने लगा कि भगवान ने इसको भेजा और ये भगवान का गुस्सा है कि ये एक अकेला आदमी इतना ज्यादा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मंगोल्स थे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट किया जैसे अलेक्जेंडर तो आपको पता ही होगा इसने भी इसे वर्ल्ड कॉन्करर बोला जाता है इसने भी वर्ल्ड के बहुत आ, अधिकतर हिस्से पे रूल किया था तो डॉर्फ मतलब छोटा कर देना जो चंगेज खान था उसने इसकी अचीवमेंट को भी छोटा कर दिया कैसे ठीक है और ये भी बोला गया है कि ये प्री इंडस्ट्रियल एज थी यानी कि हमने राइटिंग एंड सिटी लाइफ में भी देखा जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी आगे नहीं बढ़ी हुई थी राइट right. उसके बावजूद इसने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो है ना इतने वास्ट इतने वास्ट एरिया में इसने रूल करा इतने मिक्स वैरायटीज ऑफ लोगों को इसने रूल करा तो ये कैसे करा ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एकदम पुअर इंडस्ट्रियल एज है कैसे इसने करा होगा तो ये क्वेश्चंस बच्चों हमारे दिमाग में आते हैं कॉन्फिडेंट ये बहुत ज्यादा था, है ना इसे भरोसा अपने पर पूरा था इसे ये भी पता था कि भाई मुझे ना भगवान ने ही भेजा है हाँ पे रूल करने के लिए, उसके जो तो अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजियन को फॉलो करते हैं राइट सोशल ग्रुप्स भी अलग है रिलीजियस ग्रुप्स भी अलग है ठीक है जो उसके पूरे के पूरे डोमिनियन में है जो उसने राज्य फैला रखा है उसमें जितने भी लोग हैं कैसे किया इसने रूल ठीक है अब ये जो अपना एक राज्य बना रहा था ये जो एक इंपीरियम सेटल कर रहा था इस प्लुरैलिटी का क्या हुआ प्लुरैलिटी मतलब ये जो डिफरेंट मिक्सड वैरायटी ऑफ लोग थे इनका क्या हुआ तो बोला जा रहा है आपके चैप्टर में कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा बेसिक से शुरू करने का मतलब क्या है बच्चों की मंगोल्स कौन थे मंगोल्स कहाँ रहते थे मंगोल्स किसके साथ इंटरेक्ट करते थे हमें उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में कहाँ से पता है कैसे पता है तो ये बेसिक से हमें चीजों को शुरू करना पड़ेगा यहाँ पर ये बात की जा रही है ठीक है तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में देखो बट हम भी, अगर आप भाई, अलग -अलग लोग है, एक कॉमन चीज ढूंढी लेते हैं जिससे हम लोग लिंक है ना और बहुत सारे ट्राइब्स थे ठीक है अलग अलग ट्राइब के नाम है कि बहुत सारे ट्राइब्स चाहे वह टर्किक ट्राइब्स वेस्ट में हो गए है मानचूस ईस्ट में हो गए तो अलग अलग ट्राइब्स थे ठीक है ऐसे नहीं है कि मंगोल्स केवल एक ही ट्राइब थे नहीं अलग अलग ट्राइब के लोग थे अब कुछ जो मंगोल्स थे वो पेस्टोरलिस्ट थे पशुपालन करते थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे है ना कि भाई हंटिंग करने का ये ले आ, ये ले आ, ये सम, ये सामान सामान काम का जरूरी तो चीजों को गैदर किया करते थे तो ये दो पेशे वहां पर बहुत फॉलो होते थे ठीक है समझ में आया अब कहाँ की बात हो रही है ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया की बात हो रही है मंगोल्स की बात हो रही है अब जो पशुपालन कर रहे थे उनके पास ऑब्वियसली पशु थे हॉर्सेस थे शीप थे एंड लेजर एक्सटेंड कुछ कम लोगों पर कैटल गोट्स और कैमल्स भी हुआ करते थे तो ये लोग क्या करते थे ये लोग आपको अधिकतर सेंट्रल एशिया के जो स्टेपीज है जो खुले मैदान है वहां पर आप इन्हें पाएंगे ठीक है और उसे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया से जाना जाता है अब आगे क्या हुआ आगे यहाँ पर थोड़ा सा मंगोलिया को एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या था अगर आप वेस्ट की साइड जाओगे तो आपको बताया गया कि बड़े बड़े स्नो से कवर्ड आपको माउंटेन्स दिखेंगे साउथ में जाओगे तो आपको गोभी डेजर्ट बहुत फेमस डेजर्ट है वो दिखेगा उसके बाद अगर आप आ, क्या बोलते हैं अगर आप नॉर्थ और वेस्ट की तरफ यू नो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये दो रिवर्स मिल जाएंगे ऑन ऑन एनसा तो बेसिकली इस तरीके से बताया गया जैसे मैंने आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ में भी बताया था कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे सो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे कि भाई वेस्ट की साइड हमें क्या मिल रहा है माउंटेन्स मिल रहे हैं ना साउथ की साइड हमें क्या मिल रहा है डेजर्ट मिल रहा है गोभी डेजर्ट मिल रहा है ठीक है अगर आप नॉर्थ की साइड देखोगे तो भाई हमको रिवर्स मिल रहे हैं तो ऐसे करके आप लोग एक दिमाग में अपने फ्रेमवर्क सा सेट कर सकते हो कि ये सारी चीजें हमें मिल रही है अब क्या होता था बच्चों एकदम ताजी लग्जूरियंट बड़ी बड़ी जो ग्रासेस है वो मिलती थी पेस्टर के लिए एंड कंसिडरेबल स्मॉल गेम अवेलेबल इन अ गुड सीजन गेम को यहाँ पर एनिमल से रेफर किया गया है अब जो हंटर गैदरर्स होते थे ना वो क्या करते थे जहां पर पेस्टोरलिस्ट थे उससे नॉर्थ साइड में रहते थे

एनिमल के फर वगैरह हो गए उसे बेच दिया ना तो ये सब चीज़ें वो करा करते थे अब बोला गया कि इस एरिया का जो टेम्परेचर होता ना था वो बहुत एक्सट्रीम होता था यानी कि ठंड में बच्चों बहुत ठंड होती थी और गर्मी में आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिल जाएगी एकदम ड्राई समझ मिलेंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर नहीं था ठीक है मॉडरेट क्लाइमेट नहीं था बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट था यहाँ का और आपको तो पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो मॉडरेट उसके लिए मॉडरेट क्लाइमेट की जरूरत होती है राइट तो एग्रीकल्चर इसलिए बहुत ही शॉर्ट पार्ट ऑफ द ईयर में अवेलेबल रहता था ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो तो यहाँ पे लिखा है कि अनलाइक सम ऑफ द टर्क फर्दर वेस्ट यानी कि वेस्ट की साइड जो टर्क थे उन्हें हटाकर ज्यादा लोग फार्मिंग नहीं करते थे ये लोग फिर भी थोड़ी बहुत फार्मिंग कर लेते थे बट बाकी के लोग आपको दिखेंगे कि ये लोग ज्यादा फार्मिंग वगैरह नहीं करते थे क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर होता ही नहीं था

में बटी हुई थी ठीक है ये क्या होता है बेसिकली मान लो भाई एक पापा है उसने शादी करी फिर उसकी औलाद हुई फिर उसने शादी करी फिर उसकी तो मतलब बेसिकली पूरा लोड किस पे है, पापा पे है है पापा तो इस टाइप की सोसाइटी में क्या हो रहा था जो रिच फैमिलीज थी ना वो और रिच हुए जा रही थी रिच फैमिलीज ज्यादा थी लार्ज थी एंड इनके पास ज्यादा एनिमल्स और ज्यादा लैंड हुआ करते थे अब भाई क्योंकि ये लोग रिच है तो इनके पास फॉलोअर्स भी बहुत होते थे फॉलोअर्स मतलब कि जो बेचारे गरीब लोग होते थे जैसे मान लो एक रिच फैमिली है तो कुछ गरीब लोग बेचारे इन्हीं के साथ जुड़ जाते थे ठीक है भाई एटलीस्ट हमारे बुरे समय में ये लोग काम तो आएंगे तो इनके कुछ काम वाम कर देते थे इनके फॉलोअर बन जाते थे ठीक है एंड इन्हीं लोगों का फिर लोकल पॉलिटिक्स में दबदबा भी था क्योंकि ये लोग रिच थे तो जो भी इनका छोटा मोटा लोकल पॉलिटिक्स था उनमें इनका दबदबा भी था अब क्या होता था जो आपदाएं आती थी है ना नेचुरल आपदाएं तो आती थी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट था ही नहीं तो बहुत ठंड नहीं तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो जब भी आपदा आती थी बच्चों कभी कभी बहुत ज्यादा कोल्ड

हैना अगर मैं बोलू भाई यही एक बाल्टी पानी है जिसको लेना ले लो तो भैया फिर लड़ने लगेंगे हम लोग राइट तो भाई लैंड्स के ऊपर लड़ाई होने लगती थी बहुत बार रेड भी पड़ जाती थी इन द सर्च ऑफ लाइफ स्टॉक है ना किसी के जानवर चुरा लेकर जाते थे कि भाई आगे का हमारा काम चल जाए तो इस तरीके की सिचुएशंस भी बच्चों उत्पन्न होती रहती थी क्योंकि ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज कम होंगी तो लड़ाइया तो होंगी ही अब इन सब केसेस में क्या होता था ग्रुप ऑफ़ फैमिलीज जो होते थे वो रिचर फैमिलीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते थे कल एक ग्रुप बना लेते थे ठीक है कि हम लोग इस फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं कि भाई यू you नो know, ये लोग हमें सेव करेंगे ये लोग हमारे डिफेंस में आएंगे तो इस तरीके से पावरफुल रिच फैमिलीज के साथ जो थो, थोड़ी छोटी फैमिलीज थी वो जुड़ जाया करती थी ठीक है समझ में आया अब बोला गया कि ये जो कन्फिड्रेस थी यानी कि ये जो ग्रुप थे ना ये शॉर्ट लिव्ड ही थे ज़्यादा नहीं चढ़ पाते थे ठीक है ये जो ग्रुप थे ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं चल पाते थे ये क्या थे ये शॉर्ट लिव्ड ही थे अब इसमें बच्चों यहाँ पर एक अटीला अटीला कौन था ये भी एक आदमी था इसने भी कॉन्फिड्रेस बनाई थी ठीक है आप फिफ्थ सेंचुरी के आसपास देखोगे हिस्ट्री में इसका जिक्र मिलेगा तो यहां पे बेसिकली कंपेयर किया गया है कि जो चंगेज खान की कॉन्फिडरेशन था यानी कि उसने जिस हिसाब से मंगोल को और टर्किश ट्राइब्स को जोड़ रखा था ठीक है उसका जो साइज था ना वो बिल्कुल जो अटीला ने जोड़ रखा था उसके साइज जितना था क्या बोला जा रहा है कि भले ये कॉन्फिडेंसी शॉर्ट लिव्ड हो बट चंगेज खान की कॉन्फिडेंसी शॉर्ट लिव्ड नहीं थी वो एक्चुअल में मंगोल पीपल को क्या कर रहा था बच्चों यूनाइट कर रहा था सो आई होप दिस इज क्लियर अब क्या हुआ बच्चों और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो नोमैडिक और जो जितने भी लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे ना उनको बहुत डिफरेंट था बट ये दो सोसाइटीज आपस में एक दूसरे को जानते थे ना हार्डली फॉरन मतलब एक दूसरे को जानते थे तो यानी कि जो नोमैड लोग थे और जो वो लोग थे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे को जानते थे अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि भाई बेसिकली मतलब लास्ट स्लाइड पर देखा कि हमने रिसोर्सेज हमारी क्या है

जगह थी ना जो चाइना था उनके साथ इन्होंने क्या करा ट्रेड करने का सोचा अब ये बच्चों म्यूचुअली बेनिफिशियल था यानी कि दोनों को बेनिफिशियल था चाइना वालों के लिए भी बेनिफिशियल था और नो मैड लोगों के लिए भी बेनिफिशियल था तो इन्होंने क्या करा जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था आयरन यूटेंसिल्स था ये चाइना से लेना शुरू कर दिया ठीक है अब ये मान लो आप कि जो चाइना है वो इनको क्या दे रहा है एग्रीकल्चर दे रहा है क्योंकि भाई इन पे है नहीं है ना जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो इनको दे रहा है साथ ही साथ आयरन यूटेंसिल्स इन्हें दे रहा है और बदले में बच्चों ये जो नोमैड कैटेगरी है ये चाइना वालों को क्या दे रहे हैं हॉर्सेस दे रहे हैं फर्ज दे रहे हैं ना गेम मैंने आपको बताया था कि भाई शिकार एनिमल्स जो होते हैं जिनका शिकार करते हैं ना उनको लेकर आते हैं वो तक उनको इन लोगों को दे रहे हैं तो एक तरीके से दोनों जगह पर आप देख सकते हो दोनों ही जगह पर बेनिफिशियल है ना मैं दोबारा से बता रही हूँ चाइना वाले क्या दे रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे रहे हैं और यूटें जो देते भी आयरन यूटेंसिल्स है वो दे रहे हैं साथ ही साथ जो हमारे नोमैडिक लोग है वो क्या दे रहे हैं फर्ज दे रहे हैं ना क्योंकि भाई वो हंटर गैदरर्स है तो उनके पास है जानवर से रिलेटेड चीजें हैं है ना फर्ज दे रहे हैं हॉर्सेस दे रहे हैं शिकार दे दे रहे हैं पूरा का पूरा तो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है अब आप देखो कहीं पर भी जहां पर ट्रेड होगा वहां पर लड़ाइयां होंगी ही होंगी है ना तो यहाँ पर भी बच्चों टेंशन होती थी लड़ाइयां होती थी क्यों होती थी लड़ाइयां क्योंकि दोनों ग्रुप्स बिल्कुल भी झिझकते नहीं थे अपनी मिलिट्री का यूज करने में कि जाओ जाके हड़का कराओ है ना कि भाई जाओ क्योंकि लालच बच्चों दोनों के ही मन में है लालच तो पूरे इंसान कैटेगरी के ही मन में है है ना तो ये लोग हमेशा अपनी मिलिट्री प्रेशर को यूज करने के चक्कर में लगते थे कि एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाए रखे कि हम लोगों को ज्यादा फायदा हो और मंगोल क्या करते थे कभी कभी मंगोल लोग चाइनीज लोगों के यहाँ घुस जाते थे है ना और उनको बोलते थे कि हमें बेटर टर्म्स दो जैसे कि मम्मिया जाती है ना बारगेनिंग करती हैं वैसे ही ये जो मंगोल थे ये क्या करते थे अपने चाइनीज नेबर्स को फोर्स करते थे कि हमें भाई बेटर टर्म्स दो बेटर यू you नो know, प्राइस इसका वो लगाओ या हमें ज्यादा सामान दो इस सामान के बदले में तो ऐसे करते थे और कभी कभी तो ये लोग ये सारे रूल्स भूल के अब आप समझो कि अगर दो लोगों में ट्रेड हो रही है है ना तो उसके कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स भी हैं पर कभी कभी ये लोग बिल्कुल रूल्स भूल जाते थे और क्या कर देते थे प्लंडर मतलब कि लूट लूट पार्ट पे उतर आते थे जाके लूट आते थे उनको ठीक है अब भाई चाइनीज लोग भी कब तक चुप बैठेंगे आप लोग खुद सोचो चुप तो वो लोग बैठेंगे नहीं तो वो क्या करते थे बच्चों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते थे, थे कि भाई अब तो हम इन्हें मजा सिखाएंगे अब इन्हें बताते हैं कि हम लोग क्या चीज है तो वो लोग भी इनके है बेसिकली जहां पर भी ये लोग सेंट्रल एशिया वाला जो जितना भी हमारा प्लेन जगह है जहां पर ये रहते थे तो ऐसे कॉन्स्टेंट हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो फाइट्स है ना वो शुरू हो गई बट सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ सेटल्ड सोसाइटी यानी कि चाइना वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा ठीक है अब क्या हुआ बच्चों ये लोग भी क्या हो रहे हैं दे डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर एंड प्लान सिटीज नोमैड्स ऑन द अदर हैंड कुड रिट्रीट अवे फ्रॉम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद मार्जिनल लॉसेस लॉस दोनों को ही हो रहा सब है सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है सेटल्ड सोसाइटीज यानी कि चाइना को लॉस हो रहा है

अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चंगेज खान था कौन है ना ये चंगेज खान द चंगेज खान कैसे बना अब देखो इसका जो जन्म है बच्चों वो हुआ 1162 में कहां पर हुआ नॉर्थ की साइड पे हुआ जो आज की डेट में मंगोलिया है ना ठीक है जो मंगोलिया है उसका जो नॉर्थ साइड है वहां पर एक रिवर है ऑनन रिवर उस साइड उसका जन्म हुआ साल था वन इसका नाम पहले चंगेज खान नहीं था इसका नाम था तेम्यूजे ठीक है और ये किसका बेटा था बच्चों यशुगई का बेटा था यशुगई कौन था चीफ था किसका चीफ था किसका लीडर था कियात कियात क्या है एक ग्रुप है मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि ग्रुप्स बन जाते थे कॉन्फेडरेसीज बन जाती थी राइट तो अब क्लान क्या होते हैं बेसिकली मान लो भाई ट्राइब्स है ना बहुत सारी ट्राइब्स है मान लो भाई पाँच छह ट्राइब मिलकर एक बड़ी एक पावरफुल ट्राइब के साथ जुड़ गए तो इस पूरे को क्या बोलेंगे क्लान बोलेंगे तो जो यशुगई था वो एक तो कियात अपने भी, अपने भी भी ग्रुप का चीफ था और उसी के साथ साथ एक क्लान था एक बड़ा ग्रुप था बोर्जिगिद उसका भी चीफ था ठीक है तो यशुगई किसका पापा था तेमूजन यानी कि चंगेज खान का पापा था अब इनके पापा का ना मर्डर हो गया था अर्ली एज पे अब ऑब्वियसली बात है अगर आप चीफ हो तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे ना, तो इनको घर बुलाकर खाना खिलाने के बहाने से उसमें जहर डाल के मार दिया गया था एक दूसरे जो ट्राइब वाले लोग थे उन्होंने इनको मार दिया था इनकी जो मम्मी थी थीन इलिन, की इन्होंने तेम्यूजिन को क्या करा अकेले पा, पाला ठीक है अकेला बड़ा किया सिंगल मदर हो गई थी वो इनके जो ब्रदर्स थे उन्हें अकेला पाला स्टेप ब्रदर्स को एंड बहुत हार्डशिप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट में अब देखा जाए तो इनके पापा चीफ थे

एंड जैसे ही उनकी शादी हुई अब एक्चुअली हुआ क्या था पहले के जमाने में ना एक परंपरा चलती थी वो परंपरा क्या थी अगर मान लो मेरी किसी से मान लो मेरे से कोई शादी करने वाला है ठीक है तो वो पहले मेरे घर आएगा और कुछ दिन रहकर जाएगा तो वैसे ही इनका जो रिश्ता था वो पहले ही फिक्स हो गया था ये नौ दस साल के थे तब इनका रिश्ता फिक्स हो गया था इनके पापा तब जिंदा थे तो एक्चुअल में ये अपनी बीवी बोर्ते के घर थे एंड तब इन्हें न्यूज आई थी कि आपके पापा नहीं रहे तो ये वापस आए थे अब जब इन्होंने सारे अपने पापा के रिचुअल्स किए तो वापस गए शादीवादी हुई इनकी उसके बाद भाई इन्हें भी किडनैप करा है ना जब इन्हें किडनैप किया ये वहां से किसी तरह बच के आ गए क्योंकि वहां पर एक गार्ड था तो उस गार्ड को इन पे दया आ गई कि बच्चा कितना सहरा उसने इसे भगा दिया तो वो कहीं से बच के आ गए बट उनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया बोर्ते को एंड इन्हें बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ा उन्हें रिकवर करने के लिए तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो इनिशियल लाइफ रही है वो बहुत ज्यादा बच्चों डिफिकल्टी से भरी भी रही है अब क्या हुआ जब ये जितने साल थे ये हार्डशिप के ठीक है इन्होंने क्या करा बच्चों इन्होंने इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स भी बनाए इसके बीच में इनके फ्रेंड्स थे एक यंग Uh, बॉक्स चू करके ठीक है ये इनके फर्स्ट फ्रेंड थे एक ट्रस्टेड फ्रेंड ये इनके रहे अब इनकी मम्मी ने ना इनसे एक बात बोली थी कहती बेटा देख हमारे हालात इतने ज्यादा बुरे हैं ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि नहीं तो हम किसी पावरफुल ग्रुप के साथ जुड़ जाए अलाय के साथ जुड़ जाए है ना और धीरे धीरे अपना राज्य एस्टेब्लिश करें ठीक है नहीं तो हम खुद ही इतने पावरफुल हो जाए कि लोग हमारे साथ आके जुड़ जाए तो इन्होंने क्या करा इन्होंने पहले जुड़ना शुरू करा लोगों के साथ तो एक इनका जम्मू का भी था ब्लड ब्रदर था पता है ना ब्लड ब्रदर क्या होता है मतलब सेम खून सेम फैमिली आगे चलकर ये भी जान दुश्मन हो जाएगा बट धीरे धीरे इन्होंने अलाय बनाना शुरू किया तो पहली बार इन्होंने इन्होंने क्या करा जो फर्स्ट थिंग इन्होंने करी एक था रूलर ऑफ ठीक है या ओंग खान के नाम से जाना जाता है एंड ये इनका क्या था चाचा था बेसिकली ठीक है इनके जो पापा थे उनका भाई था इसके साथ इन्होंने इसने क्या करा तेम्यूजर ने अलायंस जोड़ी अपनी चंगेज खान ने अपने चाचा के साथ क्या करा जुड़ गया ठीक है एंड 1180 से लेके 1190 10 दस साल इन्हीं के साथ रहा पूरा ट्रस्ट गेन किया काम ना सारी चीजें करी इसके साथ मिलके ओंग खान के साथ मिलकर उसने क्या करा उसका जितना भी पावर था मिलिट्री बैकअप था अलायंस था उसको यूज करा डिफीट करने में पावरफुल लोगों को कैसे जमुका को है ना ये दोनों दुश्मन हो गए थे भाई पावर जहां आती है दुश्मन हो जाते हैं इसको भी डिफीट करा इसका जो ओल्ड फ्रेंड था जो अब उसका फो मतलब एनिमी बन गया था है ना जम्मू का उसको पहले डिफीट करा उसके बाद क्या करा जब इसने उसको डिफीट कर दिया ना तो तेम्यूजन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हुआ कि हाँ अगर मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ ना मतलब मिलिट्री तो मुझे पीछे से बैकअप तो मिल ही रहा है मैं अगर इसको डिफीट कर सकता हूँ तो मैं बाकियों को भी कर सकता हूँ फिर उसने क्या करा बाकी ट्राइब्स पे हमला करना शुरू किया तो जो जो इसके पापा के कातिल थे तातर्स ये वो ट्राइब था जिसने इसके पापा को मारा था जहर खिलाया था तो इसने पहले तातर्स को मारा है ना फिर इसने क्या किया जो जहाँ जिस इसके पापा जिसके चीफ थे है ना उस ट्राइब को खत्म करा उसके बाद ओंग खान उनको भी हरा भाई क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आप आपको अपने अलायंस को आगे हराकर ही बढ़ना पड़ेगा तो खुद ओंग खान को ट्वेल्थ थ्री में हरा दिया अब क्या हुआ बच्चों आगे द फाइनल डिफीट ऑफ द नेम पीपल एंड पावरफुल इन लेफ्ट एज अ अब जितने भी आसपास वाले लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं यार ये तो हराए जा रहे, हराए जा रहे, इस बच्चे में कुछ तो स्पेशल है लीडरशिप क्वालिटी तो तो इसमें है है ना तो लोग इसको एज अ डोमिनेंट देख रहे हैं कि भाई कोई तो बात है कि ये हराया जा रहा है लोगों को ठीक है तो जितने भी स्टेपी लैंड में जितने भी भारी मतलब बड़े बड़े लोग थे सब इसको एज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी देखने लग गए ठीक है अब क्या होता था एक असेंबली होती थी मंगोल चीफ की जैसे आप आज की डेट में भी देखते हो पार्लियामेंट में असेंबली के लोग बैठते हैं है ना देखते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वैसे उस टाइम पर जितने भी चीफ होते थे ना उनकी असेंबली होती थी बोला जाता था कुरिल्ताई नाम याद रखना अलग प्रोनंसिएशन भी इसका हो सकता है ठीक है ये बोला जाता था तो उस असेंबली में क्या हुआ बच्चों लोग बैठे एंड वहां पर इनको दर्जा दिया गया वहां पर रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये लड़का ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है एंड तब इसको बोला गया ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स है ना विद द टाइटल चंगेज खान एंड इसमें एक बात थी इसने कभी भी अपनी हिस्ट्री में रिलीजियस वाइज लोगों को कुछ नहीं बोला जिसे जो रिलीजन फॉलो करना है करो तो इसे बोला गया ग्रेट खान एंड इसे टाइटल दिया गया चंगेज खान का जिसका मतलब होता है खान या फिर यूनिवर्सल रूलर और वहां से इसका नाम बच्चों क्या पड़ा चंगेज खान इसका नाम पड़ गया समझ में आया अब क्या हुआ 1206 में ये असेंबली हुई हुआ 1206 में इससे जस्ट पहले चंगेज खान ने क्या करा था सबसे पहले उसने सोच लिया यार मुझे ना रीऑर्गेनाइज करना है है ना यानी कि ये क्या हो रहा है कोई भी आ रहा है मार रहा है जा रहा है ऐसे मेरे पापा का मर्डर भी हो गया था तो मुझे ना ऑर्गेनाइज करना है मंगोल के जो लोग हैं उनको एक इफेक्टिव में डिसिप्लिन सिखाना है उन्हें एक डिसिप्लिन मिलिट्री बनानी है ताकि आगे चलकर जो मैं फ्यूचर कैंपेन करूँ ये लोग मुझे उसमें मदद करें तो उसने ये बात ठान ली अब सबसे पहले क्या हुआ बच्चों उसका पहला कंसर्न क्या था कि भैया मुझे चाइना को कौन कर करना है ठीक है उसके दिमाग में सनक बैठ गई कि मुझे पहले चाइना को कौन करना है अब क्या हुआ बच्चों उसने चाइना को तीन भाग में बांट दिया ठीक है सबसे पहले द सी पीपल ऑफ तिबितिन ओरिजिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ठीक है सबसे पहले उसने ये क्या बोला ये कि ये वाला जो पार्ट है ना मुझे क्या करना है मुझे इसको कौन कर करना है उसने चाइना को इस प्रकार से बांट दिया कि ये जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है प्रोविंस मुझे इसे कौन कर करना है उसके बाद द उस चिन डायनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पैकिंग यानी कि ये वाला साइड ठीक है उसके बाद मुझे ये वाले साइड को कौन कर करना है उसके बाद मुझे क्या करना है संग डायनेस्टी जो साउथ चाइना को कंट्रोल करती है ठीक है यानी कि ये 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 वाला पार्ट ये आप देख रहे हो ना हल्का सा इंडिया तो मुझे ये वाला पार्ट कौन कर करना है तो उसने इस प्रकार चाइना को बांट दिया कि मैं ऐसे करके अपने कैंपेन चलाऊंगा और ये पूरा का पूरा एरिया क्या करूंगा ये वाला ये वाला ये वाला पहले अपने अंडर करूंगा ठीक है भाई अब क्या हुआ बच्चों में जो सीसिया थे उसे डिफीट कर दिया अपने अंडर ले लिया ठीक है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था उसे तोड़ दिया ठीक है मतलब उसमें भी ये घुस गया 1213 में एंड पेकिंग को भी 1215 तक इसने अपने अंडर में कर लिया यानी कि ये वाला जो एरिया था ये भी इसका 1215 तक इसके अंडर हो गया अब क्या हुआ बैटल्स चलती रही चलती रही है ना चाइना के अगेंस्ट इसकी बैटल चलती जा रही है तो बैटल्स तो बच्चों बारह तक चलती रही ट्वेल्व थर्टी फोर तक चलती रही बट चंगेज खान इतना सैटिस्फाइड हो गया था बारह सो सोलह में ही जब उसने ये इन सब एरिया पे 1215 में कब्जा जमा लिया ना तो 1216 सो में वो संतुष्ट हो गया सेटिस्फाई हो गया कि भाई अब तो जो मतलब जितना भी काम है ना वो मेरे सब ऑर्डिनेट भी संभाल सकते हैं तो मुझे अब दोबारा मंगोल लौट जाना चाहिए तो बेसिकली बच्चों 1234 तक लड़ाइयां चली बट ये 1216 सो में वापस मंगोल आ गया

अब इसमें जितनी भी ग्रेट सिटीज थी है ना सारे सिटीज के नाम है इन सबको क्या करना पड़ा सरेंडर करना पड़ा मंगोल फोर्स के अंतर्गत भाई इतना बड़ा चंगेज खान है इतनी बड़ी मिलिट्री है कहाँ तक लड़ेंगे सबने सरेंडर कर दिया ठीक है सबने अपने आप सरेंडर कर दिया कि भैया ले लो कब्जे में ले लो हमें, ले लो हमें मत ठीक है अब जिन टाउन्स ने रेजिस्ट किया

इस तरीके से इसको खत्म करो एंड इतने ज्यादा आप मतलब जो हमारे प्रिंस की डेथ इन्होंने करी है इतने ज्यादा रिवेंज मोड में आप लोग ऑन हो जाओ कि यहाँ के जो कुत्ते और बिल्लियां हैं ना वो तक जिंदा नहीं छूटने चाहिए तो आप यहीं से सोच सकते हो कि भाई क्रूअल तो वो था है ना मतलब उसके गुस्से की रेज आप देख लो कहाँ तक थी सुल्तान मोहम्मद से बात शुरू हुई थी और रास्ते में जो भी आता जा रहा है उसको बद से बदतर मौत दे रहे हैं अब यहाँ पर एक डेटा कलेक्ट हुआ था कि भाई एक्चुअल में कितनी मौत हुई थी है ना ये एक एस्टिमेटेड एक्सटेंट है कि ये जो मंगोल डिस्ट्रक्शन हुआ इसमें कितनी मौत हुई अब आप देख सकते हो निशापुर में 1220 में लगभग 17 लाख है ना 17 लाख से भी ऊपर ही मौत हुई उसके बाद आप देख सकते हो हेरात में 1222 में 16 लाख कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बगदाद में देख सकते हो आप 1258 मतलब नहीं नहीं उससे भी सॉरी बगदाद में, 1258 8 में, एग्जीक्यूट कर दिया गया तो इतने नंबर में आप सोच सकते हो कि बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ क्वेश्चन ये आता है जब हमारे पास हिस्ट्री नहीं है तो हम इन फिगर्स तक पहुंचे कैसे हमें कैसे पता कितने लोगों की कहां डेथ हुई तो अब भाई एक पर्शियन क्रॉनिकल था ठीक है एक आदमी था जुवेनी नाम का उसने क्या करा उसने बोला भाई तेरह लाख लोग जो थे ना वो मव में मारे गए थे इन्हीं सब के दौरान कैसे उसे कैसे पता चला कि तेरह लाख ही थे क्योंकि उसने गिना और उसे तेरह दिन लग गए और उसने बोला एक दिन में वो एक लाख डेड बॉडी को गिन पा रहा है और तेरह दिन लग गए तब तो उसे पता चला कि तेरह लाख लोग यहाँ पर मारे गए ठीक है तो इस लेवल का बच्चों आप लोग खुद समझ सकते हो कि डिस्ट्रक्शन हुआ अब क्या हुआ कि जो सुल्तान मोहम्मद था ना वो भाग गया भैया कहां तक लड़ता देख रहा है इतना इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है भाई डर तो लगेगा गला तो सूखेगा उसका भी वो भाग गया ठीक है अब क्या करा भाई उसके पीछे एक फोर्स भिजवाई गई कि तुम इसके पीछे जाओ जहां जहां ये भागेगा इसको पकड़ के निकाल के मारना है इसको इसके पीछे जाओ तुम ठीक है एंड इसके पीछे जाते जाते इन्होंने भैया रशियन फोर्सेस को भी डिफीट किया ना कैस्पियन सी की तरफ भी ये लोग आ गए इवेंचुअली सुल्तान मोहम्मद मर गया कितना भागता मर गया वो उसके बाद एक अलग सेट ऑफ पीपल आ, किसके पीछे लगा रखे थे सुल्तान मोहम्मद के बेटे के पीछे दोसा जलालुद्दीन ठीक है इसके पीछे लगा रखे थे अब वो अफगानिस्तान भाग रहा है सिंध प्रोविंस में आ गया अब आपको पता है कि भाई पार्टीशियन से पहले की बात है तो ये पाकिस्तान साइड पड़ता है तब तो भारत में ही था तो भाई भारत का जो इस इस वक्त जो सल्तनत चल रही थी तो रूलर ने मना कर दिया कि भाई देख तू यहाँ मता है ना यहाँ आएगा तो चंगेज खान यहाँ आकर भी सब खत्म कर देगा उसे लगेगा मैं तेरी तरफ तू भाई यहाँ मता ठीक है तो ये वहां फिर इसको यहाँ पर हमने पढ़ा नहीं दी ठीक है हमने इसको नहीं बचाया और नहीं बचाया इसलिए चंगेज खान नहीं आया वो आता आता रह गया वो आ रहा था बट वो आता आता रह गया ठीक है तो उसने फिर कंसिडर किया क्या, क्या चंगेज खान ने कि वो नॉर्थ इंडिया और आसाम की तरफ से होते हुए ही मंगोल निकल जाएगा अंदर की तरफ नहीं आएगा बट उस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी नेचुरल हैबिटेट की वजह से भी और इम्पॉर्टेंट्स मतलब कि आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से बैड लक है ना उसके जो शमन थे यानी कि जो फ्यूचर वगैरह बताते थे, थे उन्होंने बोला भाई देख इस वक्त तू कहीं भी मत निकल ये तेरे लिए बैड लक है तो उस टाइम फिर उसने ट्रैवल नहीं किया अभी आगे क्या हुआ चंगेज खान की 1227 में मौत हो गई और उसने अपनी मोस्टली लाइफ आप देखोगे मिलिट्री को ही परफेक्ट करने में निकाल दी मिलिट्री वो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता था उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है ना बच्चों वो, वो बहुत ज्यादा लेवल पे आप एक तरीके से देख लो बहुत हाई लेवल पे है. ठीक है बहुत ज्यादा मतलब काबिलियत तारीफ है आप एक तरीके से बोल दो ठीक है और ये रिजल्ट किसका है उसके इनोवेटिव जो जो उसने करी उसमें एक थी भाई, ना जिसका उसने, करा, और उसने क्या करा अलग अलग स्टेपी ट्रेडिशन को यानी कि मिलिट्री क्या -क्या स्ट्रेटेजीज में, में इंडल करा, करा जैसे कि उसने देखा कि मंगोल्स की हॉर्स राइडिंग स्किल्स तो बहुत अच्छा है चलो वही परफेक्ट कराओ है ना वॉर में काम आएगा युद्ध में काम आएगा जब लोगों को जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह तो जल्दी पहुंच पाएंगे इसी के साथ साथ भाई बेसिकली क्या मिलेगी आर्मी को मोबिलिटी मिलेगी है ना इसी के साथ साथ उनकी जो एबिलिटी थी रैपिड शूटिंग की है ना बेसिकली यहाँ तो उसने बोल दिया कि भाई इन्हें रास्ता पता होते हैं ये जो लोकल लोग हैं लोकल नुमाड़े इन्हें रास्ता पता है तो वॉर के समय मान लो अगर पूरी विंटर कंडीशन में वॉर चल रहा है सारी जो जितनी भी आपकी नदियां हैं वो सूख जाएंगी है ना जम जाएंगी एक तरीके से सॉरी तो उसके ऊपर ये बता सकते कि भाई इसे घूम के मत जाओ तुम यहाँ से सीधा चले जाओ है ना तो मोबिलिटी मिलेगी फास्ट हो पाएंगे हम लोग तो वो सारी उसने मिलिट्री की तरफ लोगों को डिसिप्लिन करना शुरू करा इसी के साथ साथ वो घोड़े पे बैठ कर देखते हो ऐसे मारते हैं निशाना है ना तो वो वाली स्किल्स को उसने परफेक्ट कराने की कोशिश करी कैसे रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन से ठीक है कि भेजता था लोगों को प्रैक्टिस पे कि जाओ लेकर जाओ इस चीज में हमें परफेक्ट होना है अब आगे क्या हुआ बच्चों जितने भी लोग थे है ना अभी इसे पता था जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई ये लोग क्विकली बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं तो ये सारा क्या होगा इन्हें नॉलेज है इन्हें पता है कि वेदर कब कब बिगड़ सकता है कब अच्छा हो सकता है तो ये सारी चीज़ें इसने क्या करी ये सारी चीज़ें इसने अपने फेवर में करी कि कब रिवर्स जो है वो फ्रोजन होंगी है ना तो कब मैं जहां पे जल्दी पहुंच सकता हूँ तो लोकल लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया गया

तो इस सब में चंगेज खान ने अपना दिमाग लगाया ठीक है कि भले ही वो फोर्टिफाई नहीं करा पाया भले उसने क्या करा वॉल्स वगैरह नहीं बनवाई बट उसका दिमाग इस चीज में ज्यादा लगा अब उसके जो इंजीनियर्स थे उसने क्या किया लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके ऐसी चीजें बनाई जिन्हें उसने क्या करा अपने अपोनेंट्स उसके जो खिलाफ खड़े होते हो रहे थे उनके खिलाफ यूज करा एंड उनका जो इफेक्ट था वो भी डिवेस्टेटिंग था है ना मतलब उसने ऐसी चीजें बनवाई अपनी इंजीनियर्स से जैसे कि आप देख ही सकते हो कि भाई जिसे भी हम ले जा सके अगर युद्ध हो रहा है तो कहीं भी लेके जा सके है ना और इसका जो प्रभाव होगा वो भी बहुत हिलाकर रख देने वाला होगा क्लियर सो आई होप कि यहाँ तक पार्टी हमें क्लियर है तो अब आगे क्या हुआ अब हम देखेंगे कि चंगेज खान की मौत हो गई है ना वो तो हो गई अब उसके बाद चंगेज खान देखो इस पूरे के पूरे फेज को ना बच्चों, हम लोग दो फेजेस में बांटते हैं है? पूरे पूरे है। है? मेजर मेजर उन्होंने कहां, कहां पर अपना जो और एक्सपेंशन था किया रशियन हो गए बल्गर हो गया में अपने एक्सपेंशन किए इस टाइम स्पैन में सेकंड फेज जो है वो है ट्वेल्व से थर्टी

1260 के बाद ना हम लोग देखेंगे कि इनके जो वेस्ट साइड के कैंपेन थे ठीक है वेस्ट साइड जो ये पावर जमाना चाहते थे ना वो इतनी नहीं जम पा रही है और उसके ना दो मेजर कारण थे पहला क्या था कि इनकी इंटरनली पॉलिटिक्स इतनी हो गई थी अब आप ये समझो मान लो मैं हूँ ठीक है अब मैं एक परिवार चला रही हूँ मान लो ठीक है और मेरे चार या पांच बेटे हैं है नहीं अभी बट मान लो कि है अब अगर मेरे चार पांच बेटे हैं वो क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे जब तक मैं थी मैं सही से चला रही थी है ना सबको देख रही थी बट अब अगर मैं मर गई मान लो और पांच बेटे चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग हर किसी की अपनी सोच तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना तो जायज है तो अभी इनके साथ भी क्या होने लगा कि वेस्ट साइड जो ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे ना एम्पायर का अब वहां से इनका जो पावर है वो हटता जा रहा है क्यों तो रीजन बताया पहला इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी होने लग गई इनकी फैमिली के अंतर्गत जहां पर जो जोची के डिसेंडेंट्स थे और ओगोदाई के उन्होंने क्या करा देखो मैं आपको इनका ट्री दिखाती हूँ सबसे पहले आप इसे समझो ठीक है अगर ये आपको यहां पर क्लियर नहीं है तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इमेज है आप लोग वहां पर क्लियरली देखना ये कौन है ये चंगेज खान है ठीक है उसके बाद ये कौन है इसका बेटा है जोची फिर ये चगता है ओगोदाई और ये तोलू ठीक है ये इसके चार बेटे हैं अब ये क्या है भाई ये जोची के दो बेटे हो गए इसके हो गए फिर ये इसके चल रहे हैं तो ये सब कौन है ये बेसिकली चंगेज खान के ग्रैंडसन है और ये 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 और ये इसके मेजर चार बेटे हैं तो इस तरीके से इसके फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करो क्योंकि होता ये था ना भाई चंगेज खान है उसने शादी करी फिर उसके बेटे हो गए फिर उसने दूसरी शादी करी यहाँ पर हो गए ना तो ऐसे करके इनकी फैमिली बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जाती थी तो अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करो बोल रहे हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पहले क्या हुआ था फर्स्ट टू जनरेशन तक जो जोची और ओगुदाई के डिसेंडेंट्स है ठीक है यानी कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ठीक है एक तरीके से ये जो है

इंपॉर्टेंट है तो ये लोग क्या थे एकदम उल्टे दिमाग के थे है ना? अभी हतियाना ज्यादा जरूरी था पर्सनल लड़ाई तो बाद में भी हो जाती बट इनके दिमाग में क्या था कि पर्सनल लड़ाई अभी ज्यादा जरूरी है अब क्या हुआ जो सेकंड सेकेंड प्रॉब्लम इनको आई वो क्या आई अगुदई के जो लीनेज थे ना दे वर बाय द बाई ब्रांच ऑफ चंगेज खान बेसिकली क्या था ये जो लोग थे ठीक ठीक है है ये ये देखो ये इसका बेटा हो गया तो इसके जो लोग थे इन लोगों ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो इनकी आपस में क्या होने लगी बजने लगी आपस में इनकी लड़ाई होने लगी ठीक है तो बेसिकली ये जो जोचू के बच्चे थे है ना अगुदई के जो बच्चे थे और ये जो तोलुद ब्रांच थी आप देख रहे हो ना इसका यंगेस्ट बेटा था ये और ये इसकी ब्रांच है आगे के बेटे तो इनके बीच में अपनी लड़ाई होने लगी ठीक है तो अब बच्चों आगे क्या हुआ तो तो इनके बीच में में, अब अब क्या क्या चल चल रहा है? बहुत चल है? बहुत ज़्यादा रही हैं। हैं हैं। ये लोग कर कर रहे है? उसको कर रहे उसको तो जब आया पावर में, ठीक है? जब मौंके आया आया, ठीक हमने देखा था ना कौन है ये जब ये वाला इंसान आया पावर में तो इसने क्या करा इसने चंगेज खान का जो यंगेस्ट बेटा था ये उसका बेटा था इसने क्या करा अपने ईरान साइड मिलिट्री कैंपेन्स थे ना वो बढ़ाए वहां पर अपना फोकस करा ड्यूरिंग दूस फिफ्टीज बट इसकी ये जो पूरी की पूरी तौल ब्रांच थी ना ये जो जितने भी ऊपर के लोग थे इनका इंटरेस्ट चाइना में बहुत था ठीक है तो इनका क्या था मेन फोकस कि हमें ना पहले क्या करना है हम लोग ना चाइना को पूरा अपने अंडर घेरते हैं तो इन्होंने क्या करा अपनी सारी रिसोर्सेस सारे फोर्स सारे सप्लाई डाइवर्ट कर दिए 1260 में चाइना की तरफ अभी हमने यहां पर देखा था ना सबसे पहले कि भाई 1279 में पूरा चाइना ही अपने अंडर अंडर कर लेंगे तो इन्होंने क्या करा हर जगह ध्यान नहीं दिया कि इनके यूरोप साइड भी कॉन्केस्ट चल रहे हैं वेस्ट साइड इन्हें ध्यान देना है? नहीं इन्होंने क्या करा अपनी पूरी फोर्स जहां जहां भी थी सारी डाइवर्ट कर दी चाइना की तरफ अब इससे इनको नुकसान क्या हुआ बच्चों उसको समझने की कोशिश करो एज अ रिजल्ट बहुत ही स्मॉल और अंडर स्टाफ जो फोर्स था ना वो इन्हें इजिप्शियन मिलिट्री की तरफ लगाना पड़ा है ना वहां पर भी इनके कैंपेन चल रहे हैं इजिप्शियन मिलिट्री से भी लड़ाई चल रही है वेस्ट की तरफ भी लड़ाई चल रही है तो वहां से ध्यान हटा लिया अपना सारा वहां पर बिल्कुल अंडर स्टाफ लोग भेज दिए तो वहां से हारने लगे क्योंकि पूरा ध्यान इनका कहाँ पर है चाइना की तरफ है अब वहां से क्या होने लगा इनकी हार होने लगी इनका पूरा का पूरा ध्यान चाइना की तरफ है तोलविद फैमिली का तोलविद ब्रांच का तो इससे क्या हुआ जो वेस्टर्न एक्सपेंशन था ना वो रुकने लगा जो मंगोल्स का वेस्ट साइड वो एक्सपैंड कर सकते थे ना वो क्या होने लगा बच्चों वो रुकने लगा ठीक है अब क्या हुआ अब भाई कॉन्फ्लिक्स आने लगे किसके बीच में देन तोलविद के डिसेंडेंट्स के बीच में ये देखो ये वाला है ना तोलुविद के डिसेंडेंट्स कौन है ये वाले लोग ठीक है और जोचित कौन है हमारा बेसिकली ये वाले लोग तो हुआ क्या कि इनके बीच में क्या होने लगा बच्चों लड़ाइयाँ होने लगी ठीक है अब एक लड़ाई तो इनके बीच में चल रही है और दूसरी लड़ाई इनकी कहाँ चल रही है रशियन और ईरानियन फ्रंटियर पर चल रही है तो इनका ध्यान आपसी लड़ाई पर है इनका ध्यान कहाँ है आपसी लड़ाई पर है क्योंकि इनका ध्यान आपसी लड़ाई पर है तो यहाँ पर है नहीं ये जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है यहाँ पर है नहीं राइट तो इसकी वजह से क्या हो रहा है फर्दर डाइवर्ट हो रहे हैं है ना और कहीं ना कहीं वेस्ट साइड से बिल्कुल हारते जा रहे हैं यूरोपियन कैंपेन्स पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं अपनी इंटरनल लड़ाइयों की वजह से और यही रिजल्ट होगा कि हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत इन्हें सक्सेस मिल भी रहा है बट कहीं ना कहीं ये लोग अपने डाउनफॉल की तरफ अब हमें जाते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं देखेंगे इनका सोशल पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा है देखो अब हमने ये तो देखा कि भाई मिलिट्री में जो चंगेज खान था उसने बहुत अच्छे से फोकस किया राइट तो हमने देखा कि भाई मंगोल्स में बहुत सारे नोमैडिक सोसाइटीज थी ये मैंने आपको बताया अब इनमें क्या होता था भाई ये इतने ज्यादा वेल स्टैब्लिश तो थे नहीं कि यू you नो know, कोई क्राइटेरिया होगा मिलिट्री में भर्ती होने के लिए नहीं जो भी एबल बॉडी डे यानी कि उसकी बॉडी बॉडी अच्छी उसे लग रहा है मैं कर सकता हूँ है ना तो जो भी अडल्ट मेल है सबसे पहले मेल होना चाहिए आदमी होना चाहिए दूसरा उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए शरीर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आर्म्स आर्म्स मतलब यहाँ पे वेपन वेपन पकड़ पाए है ना वेपन पकड़ पाए वो भर्ती हो सकता है है ना जब भी ओकेजन डिमांडेड मतलब जब भी जरूरत पड़े भाई जब भी कोई युद्ध हो हमला हो वो बस उतर सके तो वो उसको भर्ती कर लेते थे कोई और क्राइटेरिया नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा उस टाइम पर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थे नहीं तो अब आगे क्या हुआ बच्चों हमने देखा कि भाई जो चंगेज़ खान था उसने क्या करा यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश करी है ना तो डिफरेंट डिफरेंट मंगोल ट्राइब्स में वो क्या कर रहा था यूनिफिकेशन मतलब एक यूनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था उन्हें एक एक साथ एक जोड़े रखने की वो कोशिश कर रहा था वहां पे है ना बहुत सारे भी करता था ताकि जो चंगेज खान की आर्मी है उसमें नए नए लोग आए जब वो जिंदा था तो वो क्या करता था वो ये नहीं चाहता था कि एक ही ट्राइब के लोग रहे पहले क्या होता था ट्राइबल सोसाइटीज ट्राइब बटी होती थी मैंने आपको बताया था ना क्लैन थे क्लैन मतलब बहुत सारे ट्राइब्स एक पावरफुल ट्राइब के साथ मिल गए तो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं है ना कि भाई मैं तो तेरे साथ ही कंफर्टेबल हूँ अपन दोनों लड़ाई में चलेंगे नहीं चंगेज खान चाहता था कि भाई सब सब लोग अलग अलग मिक्स्ड वैरायटी मेरी आर्मी में भर्ती हो उन्हें अकेले ट्राइब के नाम से ना जाना जाए एक ही नाम से जाना जाए है ना कि भाई ये चंगेज खान की आर्मी है ये नहीं कि मैं इस ट्राइब से हूं मैं इस ट्राइब से हूँ जाना जाए ठीक है तो वो क्या करता था स्मॉल अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी इंटू एन इनक्रेडिबली हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट मिक्सड वराइटीज ऑफ लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करने की कोशिश करता था अब उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते थे कुछ उसकी अथॉरिटी को विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं हम आपको हमारा लीडर आप जो बोलोगे हम करेंगे और कुछ डिफीटेड लोग भी होते थे जैसे उसने खेड़िस ट्राइब को डिफीट किया था है ना याद है ना उसके पापा जिस स्ट्राइक की जीत तो उसने डिफीट करा था उनको भी भर लेता था उनको भी अकोमोडेट कर लेता था पहले वो लोग हॉस्टाइल होते थे कि भाई नहीं करेंगे ये वो बट बाद में नॉर्मल हो जाते थे तो सारे टाइप के लोगों को अपनी मिलिट्री में शामिल करने की वो कोशिश करता था कुछ मान लो चाइना से लड़ाई हो गई है ना वहां से कुछ लोग को ले आया बंदी बनाकर तो उन्हें भी यू नो मिलिट्री की ट्रेनिंग देगा तो डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोगों को अपने मिलिट्री में लाने की कोशिश करता था अब यहाँ पर क्या हुआ चंगेज खान बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करता था ठीक है कि जितनी भी ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज है ना उन्हें हटा पाए ठीक है जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो उसकी कॉन्फेडरेसी जो उनका ग्रुप बताया था ना कॉन्फेडरेसी क्या होता है जो उसके अंडर आ रहे हैं वो लोग अपनी ट्राइबल आइडेंटिटीज़ की वजह से ना जाने जाए वो लोग चंगेज़ ख़ान के हम लोग आर्मी हैं बस इस नाम से वो जाने जाए तो वो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करके रखता था पहले के सिस्टम के हिसाब से कि टेन का ग्रुप हो गया हंड्रेड का हो गया थाउजेंड का हो गया है ना ऐसे करके वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखता था अब जो पुराना सिस्टम था बच्चों क्लैन का ट्राइब का वो क्या होता था इसी सिस्टम से चलते थे अब चंगेज़ ख़ान जो था उसने क्या करा प्रैक्टिस को स्टॉप किया कहने का क्या मतलब है कि जो सेम क्लैन के हैं सेम ट्राइब के हैं है ना इस प्रैक्टिस को उसने स्टॉप करा मान लो एक ट्राइब है उसने क्या करा ये दूसरा ट्राइब है अब उससे एक मिलिट्री यूनिट बनाना है यहां से दो लोग उठाएगा यहाँ से दो लोग उठाएगा तो उसने क्या किया ओल्ड ट्राइबल ग्रुप को डिवाइड करना शुरू करा और डिस्ट्रीब्यूट किए उनके मेंबर्स को इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स के कि जो ओल्ड ट्राइबल के भाई पहले क्या होता था एक ही ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं है ना मतलब एक ट्राइब के वो अपने ट्राइब की रक्षा कर रहे हैं एक क्लैन के वो अपने क्लैन की रक्षा कर रहे हैं ऐसा उसने मना करा उसने इस प्रैक्टिस को तुरंत स्टॉप करवाया उसने अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को डिवाइड करा और उनके मेंबर्स को मिलिट्री यूनिट्स में बांटना शुरू करा जो भी इंडिविजुअल ट्राई करता था कि अपने अलॉटेड ग्रुप से बिना परमिशन के हिले उसे पनिशमेंट मिलती थी बहुत बार होता था ना कि अरे हम तो इस ट्राइब के ही नहीं है वो ये एक यूनिट लाना चाहता था ये नहीं है कि हमारा ट्राइब तुमसे ऊपर है तुम्हारा उसे पता था कि अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी तो मैं कभी आगे का नहीं सोच पाऊंगा उसका विजन बहुत आगे का था, तो उसे पता था कि अगर मैं इंटरनली लड़ता रहूंगा तो मेरे से कुछ नहीं होगा तो वो चाहता था यूनिटी आए समझ तो रहे हो जैसे हम लोग धर्म पे लड़ते हैं ये वो ये वो ये वो नहीं ठीक है ना वो चाहता था एक, एक एक यूनिटी बनी रहे यहाँ पर अब क्या होता था द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स अप्रॉक्सिमेटिंग टेन थाउजेंड सोल्जर्स नाव इंक्लूडेड फ्रेगमेंटेड ग्रुप ऑफ पीपल फ्राम अ वाइटी ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स ठीक है अलग अलग वरायटी के यहाँ पे लोग होते थे तो ये जो ओल्ड स्टेपी सोशल ऑर्डर था ना ये अब हट गया ठीक है ओल्ड स्टेपी सोशल ऑर्डर हट गया और ये प्रोजेनेटर क्या होता है जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया होता है किसने हटाया होता है चंगेज खान ने हटाया होता है चंगेज खान ने एक क्या दी लोगों को नई आइडेंटिटी दी ठीक है कि डिफरेंट ट्राइब से लोग हटाए और अपने मिलिट्री यूनिट में डाले मान लो भाई यहाँ पर एक ट्राइब में पांच लोग हैं यहाँ पर दूसरे ट्राइब में पांच लोग हैं यहाँ पे तीसरे ट्राइब में पांच लोग हैं अब उसे एक मिलिट्री यूनिट बनाना तो वो ऐसे नहीं बोलेगा ये ट्राइब के लोग यहाँ आ जाओ दूसरे के नहीं यहां से दो बंदे उठाएगा यहां से तीन बंदे उठाएगा यहां से एक बंदा उठाएगा, उठाएगा बोलेगा तुम एक यूनिट हो ठीक है ना कि लोगों में क्या रहे यूनिटी बनी रहे तो इस प्रकार से बच्चों वो करता था अब आगे क्या हुआ देखो न्यू मिलिट्रीजेंड टू सर्वर स्पेशली मरने से पहले ही दूर का सोच लिया था ठीक है तो उसने क्या करा अपने चारों बेटों को चार बेटे थे ना उसके अपने चारों बेटों को उसने क्या करा अलग अलग मिलिट्री यूनिट दे दिए मिलिट्री यूनिट तो बना लिए है ना कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब के नहीं बनाए सारे मिक्स करके बनाए और अपने चार बेटों को उसने दे दिए और हर आर्मी यूनिट का एक चीफ भी होता था एक उनका हेड जिसको नोयन बोला जाता था ठीक है समझ में आया अब बच्चों कुछ ऐसे भी लोग थे जो चंगेज खान के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे जिन्होंने बुरे, बुरे से बुरे समय में एडवर्सिटी मतलब बुरे से बुरे समय में उसका साथ दिया था बहुत सालों से तो ऐसे लोगों को वो स्पेशली अप्रिशिएट करता था ठीक है उन्हें पब्लिकली ऑनर करता था कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्हें खुद के भाई का टैग देता था ठीक है और साथ ही साथ कुछ फ्री मैन यानी कि युद्ध पे गए वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो उन्हें भी एक अच्छी रैंक देता था ठीक है एक स्पेशल रैंक देता था इस बॉन्ड्समैन बॉन्ड्समैन मतलब ऐसे नहीं कि सर्वेंट नौकर बना लिया नहीं नहीं एक अच्छी रैंक मतलब उसका क्लोज रिलेशनशिप दर्शाए एक ऐसी रैंक देता था तो उन लोगों को ऑनर भी करता था अब जितने भी नए अमीर लोग थे अरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो भी चाहते थे कि भाई हमारी चंगेज़ खान से एक क्लोज रिलेशनशिप बनी रहे तो इस तरीके से पूरा का पूरा सोशल ऑर्डर वहाँ पर चल रहा था अब ये जो नई थी ना बच्चों इसमें क्या हुआ चंगेज खान ने अपने चारों बेटों को क्या दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि जितने भी न्यूली कॉनकर जितने भी नए इलाके कॉन्कर हो रहे हैं उन्हें तुम संभालोगे क्योंकि उसे पता था कि मरने के बाद चीजें बिगड़े ना इसलिए मरने से पहले ही वो उन्हें एरिया देकर गया था वो चाहता था उसने उसे लगा था कि सब लोग मिलकर करेंगे उन्हें क्या पता था कि बाद में लड़ाइयां होंगी उसे लगेगा सब लोग मिलकर रूल करेंगे तो उसने क्या करा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि नया नया जिसे हमने कैप्चर किया है मेरे चारों बेटे संभालेंगे अब क्या किया चार उलूस उलूस क्या होता है मान लो एक जगह हती आया है ना उसकी अलग अलग टेरिटरीज है ठीक है अब इतना एरिया हर एरिया हर टेरिटरी को उसने उलू बोला और ये डिफ़ाइन नहीं है कि मैंने अगर अपने बेटे को इतना एरिया दिया तो इतने पे ही रूल करेगा भाई इतना मैंने दे दिया अब वो आगे लड़े ये एरिया भी अपने अंडर करे और इस पर भी रूल करे ये एरिया भी अंडर कर ले रूल कर ले तो फिक्स्ड नहीं है मैंने एक पोर्शन दे दिया अब वो आगे लड़ता रहे और अपने अंडर अपनी ज़मीन करता रहे

ये रहा ठीक है ये तो ये रहा ये था सबसे बड़ा बेटा ये ठीक है ये जोची तो इसने क्या करा बच्चों अब यहाँ पर बताया है कि इसने किसको क्या क्या दिया तो अब इसका जो सबसे बड़ा बेटा था ना जोची उसको उसने क्या दिया देखो रशियन स्टिपिस दे दी ठीक है बट बोला कि ये ये रशियन स्टिपिस तक तेरा रूल नहीं है अगर तुझे चाहिए तू तु लड़ ठीक है ना यहाँ पे लिखा है ना एज फार एज एस हॉर्सेस को ड्रोन जितना तेरी आर्मी लड़ सकती है जितना तू लड़ सकता है लड़ और एरिया को अपना अंडर कर बट मैं अपनी साइड से तुझे रशियन स्टेपीज दे रहा हूँ ऐसी जो इसका दूसरा बेटा था चगताई उसको उसने क्या दे दिया यहाँ पर आ, अलग अलग लैंड्स दे दिए नॉर्थ साइड के पमेर माउंटेन्स के ठीक है ट्रांजोसिनियन क्या दे दिया स्टेपी दे दिया तो अलग अलग चीज़ें दे दी ठीक है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो था उसका बेटा थर्ड सन था ओगुदई उसको क्या बोला कि भाई देख अगर मैं मरा तो सबसे पहले ये गद्दी पर बैठेगा ये मुझे सक्सीड करेगा मैं इसको ये पावर देकर जा रहा हूँ और जैसी वो हुआ जैसी वो मरा ये गद्दी पे बैठा इसने अपना कैपिटल स्टेबलिश कर लिया करकोरम में ये इंपॉर्टेंट है याद रखना वन मार्कर में आ जाता है ठीक है अब जो यंगेस्ट सन था तोलोई उसको क्या दे दिया अपने एंसेस्ट्रल लैंड जो पूर्वज के लैंड थे ना मंगोलिया के वो दे दिए तो चारों बेटों को उसने कुछ ना कुछ दे दिया मरने से पहले और बोला कि अब आगे अपना कमाते जाओ खाते जाओ तो चंगेज खान ने पहले ही एनवेस्टिगेट मतलब तो पहले ही देख लिया था दूर का विजन था उसका कि भाई मैंने पहले ही देख लिया था कि मेरे जो बेटे हैं वो एम्पायर को कलेक्टिवली रूल करें

अब ये सबको याद है ना खुरुलताइ मैंने बताया था असेंबली होती है याद है बताया था कि पार्लियामेंट की जैसी असेंबली होती है वैसी चीफ की भी असेंबली होती है तो कहीं ना कहीं चंगेज खान ये भी चाहता था कि भाई मेरी जो फैमिली के लोग हैं वो इस असेंबली में भी भरती हों जहाँ पर वो सारे डिसीजनस मिल के लें चाहे वो फैमिली के रिगार्डिंग हो चाहे वो कैंपेंस के रिगार्डिंग हो प्लंडर मतलब जितना भी लूट में जो भी सामान आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग डिसीजन हो तो मेरी जो फैमिली के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस असेंबली में भी भरती हों ताकि वो सारे डिसीजनस मिल ले पाएँ ठीक है और इस फैमिली ट्री को आप लोग अपने दिमाग में बच्चों कंप्लीटली बसा लेना अब आगे क्या हुआ? देखो। खान ने ना बहुत पहले कोरियर सिस्टम बना रखा था ताकि जो अलग अलग एरिया तो बहुत, बहुत दूर दूर तक कर रहा है न, तो कैसे रखेगा क्या उसके लिए पॉसिबल है कि अगर उसे कोई सामान यहाँ से वहां भिजवाना है तो वो तुरंत जाकर खुद भिजवाए या क्या उसके लिए पॉसिबल है हर जगह की खबर रखना उसने क्या करा एक कोरियर सिस्टम डेवलप करा ठीक है जिसमें क्या होता था राइडर्स थे जिन्हें अलग अलग जगह पर उसने आउटपोस्ट पे लगा रखा था। मान मान लो लो भाई, मुझे कोई सामान, गुड़गांव से अगर मेरे को कोई सामान जयपुर भिजवाना है है ना या फिर कहीं बेंगलोर भिजवाना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे अपने जो लोग हैं, वो खड़े कर दूंगी पास पास नहीं बट हाँ जैसे मैंने कोई कहीं कर दिया कोई कहीं कर दिया कोई कहीं कर दिया है ना तो इस तरीके से उसने अपने जो आदमी थे वो रेगुलर स्पेस डिस्टेंस पे खड़े कर रखे थे कि भाई हाँ अब आप सोचो एक आदमी यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा बट अगर वही आदमी इसको दे रहा है फिर वो इसको इसको तो कम टाइम में और जल्दी काम हो पाएगा तो इस तरीके से बच्चों उसकी सोच थी और ये सिस्टम उसने पहले से ही डेवलप कर रखा था अब बच्चों अगर इस कम्युनिकेशन सिस्टम को मेनटेन करके रखना है अगर आपको किसी भी चीज़ को मेंटेन करना है उसमें जाहिर सी बात है पैसा लगेगा बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता राइट right. तो यहाँ पर अगर आपको मेंटेन करना है जैसे उसको भी अगर मेंटेन करके रखना था तो जो मंगोल के नुमैक्स थे वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे ठीक है क्या वन टेंथ ऑफ देयर हर्ड वन टेंथ पार्ट एज अ टैक्स बोल लो ठीक है वो क्या करते थे कंट्रीब्यूट किया करते थे अब उसमें चाहे वो अपने हॉर्सेस दे दे लाइफ स्टॉक दे दे कुछ भी दे दे ठीक है और ये इस टैक्स का नाम था क्या था क्यूबर क्यूबकुर मतलब अलग अलग प्रोनाशिएशन है यार अब ये तुम लोग देख लेना ठीक है इनके नाम अजीब से हैं मुझसे प्रोनाउंस होते भी नहीं है तो क्यूबर या क्यूबकर करके एक टैक्स था ठीक है जिसे वो लोग दिया करते थे अब ये टैक्स ऐसा था जो वो विलिंगली देते थे हाँ उन्हें लगता था हाँ भाई ये सिस्टम बहुत अच्छा है इससे हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें ये टैक्स देना चाहिए इंसान बच्चों हर उस चीज में पैसा लगाता है जिससे उसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं है ना अगर किसी चीज उसे अच्छा लग रहा है या कोई चीज उसको कोई बेनिफिट दे रही है वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये लोग भी विलिंगली क्या करते थे अपना टैक्स दे देते इस कोरियर सिस्टम को यम करके भी बोला जाता था आप लोग याद रखना ऐसा नहीं है कि इसके मरने के बाद ये रोक दिया गया हो नहीं बल्कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हुई इसे और ज्यादा रिफाइन किया गया आफ्टर चंगेज खान डेथ इसकी स्पीड वगैरह और ज़्यादा बढ़ाई गई और इसकी स्पीड से लोग भी हैरान हो गए कि भाई इतना फास्ट ये जो कोरियर सिस्टम है इन्होंने डेवलप कर लिया है अब इससे क्या होता था बच्चों डेवलपमेंट्स पर भी नज़र रहती थी है ना कि भाई जो हमारे दूर दूर तक जो हमने इलाके अपने कब्जे में कर रखे हैं उनमें क्या चल रहा है अगर वहाँ पर हमें कोई संदेश भिजवाना है वहाँ से कोई न्यूज़ चाहिए तो उन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हमें इससे मिल जाती थी अब जितने भी लोग थे है ना जिनको भी ये लोग लेकर आते थे इनमें इतना लगाव नहीं था अपने मास्टर्स से? नहीं. क्या मन में लगाव मेरे लिए नहीं तो जब फर्स्ट हाफ में थर्टीन सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जितने भी कैंपेन्स ना बच्चों हमने देखा डिस्ट्रॉय हो गई एग्रीकल्चर लैंड जो थे वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो गए उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ट्रेन

ऐसा नहीं है कि रिच लोग सफर नहीं करेंगे गरीब लोग सफर करेंगे नहीं चाहे वो इलाइट्स हो चाहे वो पीजेंट्री सेक्शन हो हर कोई इसमें सफर करता था ठीक है अब बहुत ज्यादा क्या होने लगा इंस्ट मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लूज होने लगी ठीक है बहुत ज्यादा इनस्टेबल होने लगा माहौल ये क्योंकि इतने ज्यादा वॉर्स हो रहे हैं इतने ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं लैंड सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी थी वो लूज होने लगी अब इस समय जो अंडरग्राउंड कैनाल्स थे ना जिसे कनाट्स बोला जाता था ईरानियन प्लेटफॉर्म में ईरान भी इनके अंडर था राइट तो उस तरफ क्या हुआ उनको जो पेडिक मेंटेनेंस देना पड़ता है वो भी नहीं हो पाया इन सब के चक्कर में जिसकी वजह से क्या हुआ ये जो अंडरग्राउंड कैनाल्स थे ये एकदम से खराब होने लग गए इनमें मिट्टी जमा होने लग गई एकदम से है ना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेवल पे इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया डिवेस्टेशन हो गया जो अगर आप एक जगह देखोगे ना खुरासान इसके पार्ट्स आज तक रिकवर नहीं हो पाए तो बेसिकली नुकसान यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि कितना ज्यादा नुकसान होता था इन कैंपेन से जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ थर्टीन सेंचुरी में चल रहे थे अब क्या होता था जब इन कैंपेन से एक बार डस्ट सेटल हुई यानी कि थोड़ा सा माहौल स्टेबल हुआ तो क्या इन्होंने किया यूरोप और चाइना को लिंक कर दिया ठीक है एंड यहाँ पे ट्रेड कनेक्शन बिठाने शुरू करे पहले की तरह नहीं कि पहले जैसे ट्रेड हो रहा था रुक गया था नहीं बट अब इन्होंने क्या करा सिल्क रूट का आपने नाम सुना होगा हमारे इंग्लिश में एक चैप्टर भी है ना तो उस रूट के थ्रू इन्होंने क्या करा भाई अपने जो ट्रेड कनेक्शन थे वो बिठाने शुरू करे और वो बहुत ज्यादा पीक पे जाने लगे बहुत ज्यादा अच्छे होने लगे ठीक है समझ में आया अब आगे क्या हो रहा है दे कॉन्टिन्यू नॉर्थ इन टू मंगोलिया एंड टू करम द हार्ट ऑफ़ द न्यू एम्पायर ट्रेवलर्स गिवेन अ पास अब ट्रेड हो रहा है हनाना ट्रेड फैल रहा है ट्रेड मंगोलिया में भी हो रहा है नॉर्थ साइड पर भी हो रहा है ठीक है हर जगह ट्रेड फैल रहा है तो अब क्या हो रहा है कि ट्रैवलर्स भी आ जा रहे हैं जाहिर सी बात है ट्रेड होगा तो ट्रेवलर्स भी आएंगे लोग भी आएंगे जाएंगे अब इन ट्रैवलर्स को बच्चों एक पास दिया जाता था जिसे पैजा भी बोला जाता था पर्शियन में ठीक है और गैरेगी बोला जाता था मंगोलियन में अलग अलग इसके नाम थे बट इन्हें एक पास दिया जाता था फॉर सिक्योरिटी पर्पज के कहीं लुटेरिन आ जाए जाए कुछ ना आ जाए तो सेफ कंडक्ट के लिए कि भाई पास दिखाओ एंड आगे बढ़ो फॉर ऑल दैट स्टाफ अब क्या हुआ कि ट्रेडर्स जो थे अब भाई ऑब्वियसली आप ट्रेड करने आ रहे हो आप टैक्स भी तो दोगे है ना तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था बास टैक्स नाम याद रखना ठीक है नाम याद रखना है एंड ये सब किसकी अथॉरिटी में हो रहा था मंगोल खान की अथॉरिटी में हो रहा था ठीक है तो ये चीज इनको बच्चों याद रखनी पड़ती थी अब क्या होता था नोमैडिक आपको पता ही है जो इधर से उधर ट्रेवल करे और सीडेंट्री मतलब परमनेंसी ठीक है सो द कंट्रोडिक्शंस बिटवीन द नोमैडिक एंड सेडेंट्री एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर ईस्ट टू द थर्टीन सेंचुरी अब थर्टीन सेंचुरी में देखोगे तो ये जो अभी तक नोमैडिक जिंदगी जी रहे हैं ना ये अब थोड़ा थोड़ा सीडेंट्री की तरफ आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा परमानेंसी की तरफ आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट की तरफ ये लोग आ रहे हैं अब आप ट्वेल्थ में देखोगे कि जो मंगोल्स हैं वो अपना वॉर किसकी तरफ कर रहे हैं किसके प्रति उनका वॉर हो रहा है चीन डायनेस्टी में हो रहा है नॉर्थ चाइना में ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा था देखो मैं आपको बताती हूँ समझने की कोशिश करो ये क्या है मंगोल्स है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है नॉर्थ चाइना की बात हो रही है तो ये लोग क्या कर रहे हैं इनसे लड़ रहे हैं ये मंगोल्स जो है वो नॉर्थ चाइना में लड़ रहे हैं अब क्या था इन्हीं में बच्चों एक ग्रुप था इन्हीं में एक ग्रुप था जिन्होंने बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि भाई यहाँ के नॉर्थ चाइना के जितने भी पिजेंट्री लोग हैं ना उन्हें मारो ठीक है मारो एंड उनकी जो फील्ड है जितने भी इनकी ज़मीनें हैं इनको कन्वर्ट कर दो पैश्चर लैंड में यानी कि जो भी पशुपालन करते हैं हमारे लोग वहाँ जाएंगे अपने जो पशु हैं उनको वो चरेंगे वहाँ पे तो ये चीज पर हो रही थी ठीक है ये जो मंगोल्स हैं ये नॉर्थ चाइना में लड़ रहे थे इन लोगों से एंड यहीं पर एक ग्रुप जो था था वो बोल रहा था, यहां के सारे सेक्शन को मारो ऐसा एक प्रेशर इन्होंने क्रिएट कर रखा था अब बाय द ट्वेल्थ सेवेंटीज आप देखोगे कि साउथ चाइना भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया अभी नॉर्थ चाइना की बात हो रही थी बट ट्वेल्थ सेवेंटीज के आते आते इन्होंने साउथ चाइना भी बच्चों कहीं ना कहीं अपने अंतर्गत इन्होंने कर लिया ऑल राइट अब आगे क्या हुआ देखो एनेक्स टू दी मंगोल एम्पायर आफ्टर द डिफीट ऑफ द संग डायनेस्टी संग डायनेस्टी को भी इन्होंने हरा दिया जो साउथ में रूल कर रही थी याद है मैंने आपको दिखाया था अब जो चंगेज खान का ग्रैंड सन था खान। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे ले जाकर ये रहा बेसिकली ये रहा ये इसकी बात हो रही है ठीक है इस आदमी की बच्चों यहाँ पर बात चल रही है कि ये जो आदमी था इसने क्या करा एक बार ही देखते हैं फटाफट -फड़ से ओके तो ये जो आदमी था ना ये अपियर होता है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पीस एंड इसमें पता नहीं क्या दया भाव आता है एकदम से हम लोग देखते हैं कि इमोशन चेंज तो ये जो था ना ये एकदम से 1294 में एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पीजेंट्स खड़ा होता है ठीक है पीजेंट्री को मारने की बातें चल रही थी बट ये खड़ा होता है ऐसी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ट्वेल्व में एक मंगोल रूलर था ईरान का ईरान मंगोल्स के अंडर ही था तो वहां पर एक रूलर था गजन खान ठीक है ये किसका था जो तोलोई ब्रांच है है ना उसी का आ, बेसिकली ग्रैंडसन था ठीक है उसी का डिसेंडेंट था ये तो उसी ब्रांच का था एंड वो क्या कर रहा था यहाँ पे वो भी पीजेंट्री के लिए खड़ा हो रहा है वो भी नहीं चाहता कि आप पीजेंट्री सेक्शन को मारो तो हम देख रहे हैं कि 1270 और 1290 में यहाँ पर कुछ मंगोल रूलर ऐसे भी हैं जो पीजेंट्स के हित में खड़े हो रहे हैं यहाँ पर एक स्पीच दी हुई है गजन खान की ही स्पीच है अब यहाँ पे स्पीच क्या है देखो ये था कौन पहले ये देखो फर्स्ट खनिद रूलर था जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था और इसने स्पीच दी थी मंगोल टर्किश नोमैड कमांडर्स को इसी के नीचे कमांडर्स थे उनको क्या स्पीच दे रहा था ये और स्पीच ड्राफ्ट किसने करी थी एक इसका वजीर था रशीदुद्दीन ठीक है उसने ड्राफ्ट यानी कि उसने इसके लिए लिखी थी बट बोल तो यही रहा था ये एग्री करता है तभी बोल रहा था तो इसके वजीर ने इसके लिए लिखी थी अब उस स्पीच में क्या था बोलता है कि देखिए आप सब मुझे ये मत समझिए कि मैं पीजेंट्स की साइड हूँ पीजेंट के लिए खड़ा हो रहा है ना बट अपने लोगों के खिलाफ तो नहीं जा सकता तो बोल रहा है आप ये मत समझिए कि मैं के खिलाफ हूँ अगर इनको मारने की बात आएगी तो मेरे से ज्यादा पावर यहाँ पे किसी पे भी नहीं है मैं चाहूँ तो इन्हें अभी खत्म कर सकता हूँ है ना आओ इन्हें लूट लेते हैं बट अगर आप चाहते हो कि आपको आगे खाना मिले ग्रेन मिले है ना आपके टेबल्स पर खाना रखा हो ग्रेन्स रखे हो तो भाई मुझे आपके साथ हार्श होना पड़ेगा मुझे ना आपको समझाना पड़ेगा और क्या समझाना पड़ेगा रीजन कि आप रीजन दो आप क्यों उन्हें एक्चुअल में मारना चाहते हो अगर आपको पिजेंट्री की इंसल्ट करनी है आप क्या ले लो उनके जानवर ले लो है ना उनकी जो क्रॉप्स है उन्हें आप नुकसान पहुंचा दो बट आप फ्यूचर में क्या खाओगे आप फार्मर्स को ही मार रहे हो ना आप फ्यूचर में क्या खाओगे तो वो ये चीज अपने रूलर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिजेंट्री सेक्शन को मारना चाहते हैं और बोल रहा है कि देखो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ओबीडियंट पिजेंट्री है उसे हमें अलग करना पड़ेगा उन पिजेंट्री से जो कि विद्रोही है rebels है यानी कि जो पिजेंट्री सेक्शन हमारे खिलाफ है आप उनसे लड़िए आप सारे पिजेंट्री को मारने की बात मत करिए वरना आप क्या खाएंगे अभी समझ में आया जैसे मान लो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट है मैं प्रिंसिपल हूं ठीक है मैं आ गई मैं बोल रही हूँ अच्छा एक बच्चे ने शोर किया सारी क्लास को बाहर निकालो क्यों निकालो एक ही बच्चे ने तो शोर किया है उसको हम अलग करेंगे ना तो गलत और सही को डिस्टिंग करना सीखो ये ही बेटा ये अपनी स्पीच में बताने की कोशिश कर रहा है अब जब चंगेज खान रूल कर रहा था ना तभी से हमने देखा कि जो मंगोल्स हैं, उन्होंने क्या करा था जिस भी सोसाइटी को वो कॉन्कर करके लाते थे उनके लोगों को भर्ती कर लेते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये तो चंगेज खान के टाइम से ही हो रहा है ना अभी अभी हमने पढ़ा था अभी क्या होता था देखो ऐसा नहीं है कि अगर वो चाइना से लोगों को उठाकर लाया तो उन्हें सिर्फ एक ही जगह पे रखेगा नहीं अब उसके अंदर अंदर चाइना भी है उसके ईरान भी है तो वो क्या करता था कभी कभी सेक्रेटरीज को ईरान भेज देता था पर्शियंस को चाइना में भेज देता था तो मिक्स एंड मैच करके रखता था क्योंकि यूनिटी क्रिएट हो अगर चाइना वाले लोगों को कैद करके लाया उन्हें चाइनाज के साथ ही रखेगा तो कल को वो विद्रोह करने खड़े हो जाएंगे तो क्या करता था उन्हें मिक्स एंड मैच करता रहता था हर हर ग्रुप को चाहता था कि उसमें मिक्स वैरायटी ऑफ लोग रहें इससे क्या होता है इंटीग्रेट एक बनाने में हेल्प होती है जो वास्ट डोमिनियन वो रूल कर रहा है इतना वास्ट लोगों को रूल कर रहा है उनको एक एकता लाने में भी हेल्प होगी है ना एंड साथ ही साथ भाई चाइना वाले लोगों को अलग ट्रेनिंग मिल रखी है ईरान वालों को अलग तो उनकी ट्रेनिंग जो है या उनके बैकग्राउंड जो है उससे हम भी सीख पाएंगे है ना मान लो मैं एक बंदे को ले आई दूसरे को ले उन दोनों को अलग अलग चीजें आती हैं उन्हें मैं एक साथ रखूंगी तो वो लोग एक दूसरे से कुछ सीख पाएंगे ठीक है तो वो भी यूजफुल रहेगा हमारे लिए आगे के लिए एक नोमैडिक लाइफ को एक परमानेंट लाइफ लाने में क्योंकि ये लोग तो परमानेंट लाइफ जी चुके हैं राइट तो इस इस सोच का था खान ठीक है अब क्या करता था ऐसा नहीं है ये जो मंगोल खानस थे यानी कि जो मंगोल रूलर्स थे जिन्हें कैद करके लाते थे कुछ कुछ इनके बहुत खास भी हो जाते थे ठीक है एंड ये लोग उन उनपे ट्रस्ट भी करते थे बट ट्रस्ट तब तक करते थे जब तक ये इनके लिए रिवेन्यू लेकर आ रहे हैं तब तक उन्हें कुछ नहीं बोलते थे मान लो मैं कैद करके लाई अब कोई एक बहुत ही अच्छा है मेरी सारी बात मान रहा है सब कर रहा है ना तो मैं उसे टॉर्चर नहीं करूंगी मैं बोलूंगी ठीक है भाई तू मेड लिवेन्यू ले लेकर आए यहाँ से जब तक तू फायदे में है तेरी जान बख्शी हुई है ठीक है तो ये सारा सिस्टम बच्चों वहां पे चलता था अब ट्वेल्व थर्टीज में एक चाइनीज मिनिस्टर था येलो चुत्सी करके इसने क्या करा ओगुदी को क्या कर दिया मतलब उसके जो रेपकेशियस थे है ना एक जो वो बुरा आदमी था जो लालच भरा आदमी था उससे भी चेंज कर दिया क्या बताया जा रहा है यहाँ पर ये बोला जा रहा है जिस भी एरिया को यह कैप्चर करते थे मान लो मंगोल्स है ना इन्होंने क्या करा चाइना के कुछ लोगों को कैप्चर करा कुछ लोग इनके इतने खास बन जाते थे कि उन लोगों का इन्फ्लुएंस मंगोल रूलर्स पे होने लगता था उसी एक चाइनीज मिनिस्टर की बात हो रही है कि इसने इतना ज्यादा उसके साथ रहा ये कि कहीं ना कहीं जो हमारा ओगुदई था हमने देखा था ना अभी ओगुदई कौन था राइट right? तो उसकी पर्सनालिटी इफेक्ट होने लग गई वो पूरा चेंज होने लग गया वो जो लालच था वो उसके अंदर से कम होने लग गया ठीक है ऐसे ही देखा एक जुवेनी फैमिली थी उसने भी सिमिलर रोल प्ले करा ईरान में ठीक है थर्टीन सेंचुरी की लेटर हाफ में बात साइड आप देखोगे कि अभी हमने देखा ना रशीदुद्दीन वजीर जिसने ड्राफ्ट स्पीच करी थी राइट right? गजन खान के लिए तो उसने भी सेम ही रूल करा उसने भी गजन खान को वो स्पीच बुलवाई और उसने बोली भी कि भाई नहीं हमें पिजेंट्री के लिए खड़ा होना है तो ये किसने डाला इन्हीं ने डाला जिनको ये कैप्चर करके लाते थे तो बोला जा रहा है जिनको भी ये लाते थे उनका दिमाग पे मंगोल रूलर्स के दिमाग पे प्रभाव रहता था क्लियर सो आई होप कि इतना सबको समझ में आ रहा है आगे चलते हैं अब देखो थर्टीन सेंचुरी के मिड तक आते आते एक सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमनी डेवलप हो गया सब में ठीक है और ये क्या हुआ बट ये ज्यादा देर नहीं चला ये जो एकता थी ना ये जो था चंगेज खान का विजन ये ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि हमने देखा इसके बेटों ने क्या करा इंडिविजुअल डायनेस्टीज इस्टेब्लिश कर ली है ना सब अपने सेपरेट उलूस देखा था ना हमने ये क्या होता है नॉट फिक्स टेरेटरीज उसको रूल कर रहे हैं ठीक है और अब इन्होंने ये फिक्स कर लिया हम तो इसी पर रूल करेंगे समझ में आ तो ये क्या करने लग गए कम्पीट करने लग गए पेस्टोरल लैंड्स के लिए कम्पीट करने लग गए कि भाई अब कौन नेक्स्ट ग्रेट खान बनेगा तो इनकी आपस में ही इंटरनल लड़ाइया बहुत ज्यादा होने लग गई अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डिसेंडेंट्स थे ब्रांच के है ना उसका जो चंगेज खान के उन्होंने क्या रूल किया चाइना और ईरान को वो रूल करने लग गए पर उन्होंने अपनी वन और सेकेंड खानी डायनेस्टीज इस्टैब्लिश कर ली अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली ऐसी जो डिसेंडेंट्स ऑफ जोची थे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड करके रशियन स्टेपीज में अपनी

समझ में आया अब क्या हुआ द ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज चंगेन टू सेपरेट लीनियज ग्रुप्स इम्प्लाइड दैट देयर कनेक्शन विद द मेमरी एंड ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट फैमिली कंकर्जेंस ऑल्सो ऑल्टर्ड अब कहीं ना कहीं क्या दिख रहा था जैसे ये अलग हो रहे हैं है ना जैसे इनकी फैमिली अलग हो रही है वैसे ही कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शंस हैं इनके जो ट्रेडिशंस हैं वो भी अलग हो रहे हैं तो लोगों के दिमाग से भी इनकी जो इज्जत थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी कि भाई चंगेज खान ने तो इतने अच्छे से रूल करा बट ये क्या कर रहे हैं ये तो अपने में ही लगे हुए हैं और ये किस चीज़ का रिजल्ट था ये रिजल्ट का इन्हीं के आपस में कंपटीशन का ये जो कजिनस के बीच में कंपटीशन हो रहा था ना इन सब में कंपटीशन था यहाँ तक कि जो तोलवेद ब्रांच के लोग थे उन्होंने क्या करा आगे चलकर अपने फैमिली डिसएग्रीमेंट्स के बारे में अपनी हिस्ट्रीज़ में भी लिखवाया मैं चंगेज खान ने तो अपनी फोटो तक बनवाने नहीं दी थी अलाउ नहीं किया कुछ भी हमें उसके बारे में नहीं पता क्योंकि उसने लिखा नहीं बट ये तोलुद ब्रांच के जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं अपनी हिस्ट्रीज़ अपनी फैमिली डिसएग्रीमेंट्स खुद लिखवा रहे थे ये हमारे पास रिकॉर्ड्स है और ये क्यों लिखवा रहे थे ये इनके दिमाग में किसने डाला बच्चों ये डाला जो चाइना और ईरान से पढ़े लिखे जो लोग आए थे ना उन्होंने है ना भड़काने का काम शुरू किया कि अरे ये तो आप लिखो अपने बारे में आपके साथ गलत हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है तो ये सब बच्चों कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन्होंने डालना शुरू करा अब भाई चंगेज खान की लेगेसी इंपॉर्टेंट थी है ना बट उसके जो आने वाली पीढ़ी जो उसके आगे पीढ़ी है वो कन्विंसिंग हीरोज दिखे लोगों को ऐसा नहीं हो पा रहा था यानी कि उसके जो बच्चे हैं जो ग्रैंड सन्स हैं वो चंगेज खान की तरह बिल्कुल भी लोगों के आगे प्रोजेक्ट बच्चों नहीं हो रहे थे अब एक डेविड की रिसर्च है डेविड एलॉन करके एक आदमी है उसकी एक रिसर्च है ठीक है किस पे है रिसर्च यासा पे यासा क्या है बेसिकली यासा है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो चंगेज खान बना के गया था कब जब 1206 में है, पता है ना असेंबली असेंबली होती थी चीफ की उसमें उसने कुछ रूल्स बनाए थे जिसे यासा बोला जाता है और इस आदमी ने इन रूल्स पे क्या करी है बच्चों रिसर्च करी है समझ में आया इसका क्या मतलब होता है यासा का या यासाक का इसका मतलब होता है लॉ या फिर ऑर्डर ठीक है अब इसमें क्या था इसमें बच्चों कुछ रूल्स थे कुछ रेगुलेशंस थे जैसे कि हंट कैसे होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज होगी पोस्टल सिस्टम कैसे सोचो पोस्टल सिस्टम के बारे में उसने 1206 में ही सोच लिया था तो उसने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए थे ये सेट ऑफ रूल्स उसने बनाए थे सारे नोमैडिक ट्रेडिशंस को दिमाग में रख के कि आगे चल के हमारे साथ लोग तो जुड़ेंगे बट हमारी जो कल्चर है जो परंपरा है वो ना खत्म हो अब क्या होता है मिडल ऑफ द थर्टींथ सेंचुरी में ये जो मंगोल्स है ना ये क्या करते हैं यासा को जनरल सेंस में यूज करना शुरू कर देते हैं है ना और इसका क्या मतलब होता है लीगल कोड ऑफ चंगेज खान कि भाई ये चंगेज़ खान ने रूल बनाए हैं और इसे हमें क्या करना है फॉलो करना है We we may be able to understand the 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 changes in the meaning of of term if we take look at at some of the other developments that occurred same time. 13th century सेंचुरी के बिल्कुल मिड में मंगोल्स ने क्या किया मंगोल्स a unified पीपल emerge होने लगे कि भाई ये तो सारे एक ही hai ठीक है थीके? और इन्होंने अपना लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट करना भी शुरू कर दिया सबसे लार्जेस्ट एम्पायर इन्होंने भाई अर्बन सोसाइटीज पर भी रूल करा जिनकी अलग अलग हिस्ट्री है इसको अपने अंडर लिया इसकी अलग हिस्ट्री इसको अपने अंडर लिया इसकी अलग हिस्ट्री इसको अपने अंडर लिया इसकी अलग हिस्ट्री सबके अलग अलग कल्चर सबके अलग अलग लॉज है तब भी इन्होंने क्या करा है? इन इनपे रूल करा ठीक है ना एंड मंगोल्स ने पॉलिटिकली भी इन इनपे रूल करा है ना लोगों को अपने अंडर भी तो लिया उसने पॉलिटिकल लेवल पे भी तो एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करी जबकि खुद नोमैड्स बहुत ही कम माइनॉरिटी में थे ये लोग बट रूल किसको कर रहे थे बहुत वास्ट नोमैड्स है कितने ही होंगे ज्यादा से ज्यादा बट रूल किसको कर रहे थे बहुत ही वास्ट सेट ऑफ पीपल को ये लोग रूल कर रहे थे ये यहाँ पर बोला गया है अब क्या हो रहा था अभी अभी हमने देखा कि इनकी आइडेंटिटी खो रही है है ना इनका जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि इनके बच्चे ही आपस में बट गए हैं अब बोल रहा है अगर एक तरीका है इनको आइडेंटिटी को बचा के रखने का वो क्या है यासा यानी कि जो सेक्रेड लॉ है ना वो हम फॉलो करें जो हमें हमारे एनसेस्टर ने दिया है चंगेज़ खान ने दिया है समझ में आया अब यासा क्या है भाई यासा एक कंपाइलेशन है यानी कि जुड़ रखा है किससे जुड़ रखा है हमारे सारे ट्रेडिशन से जुड़ रखा है हमारे ट्रेडिशंस को दिमाग में रखे चंगेज़ खान ने बनाया था वो ट्रेडिशंस जो अब गायब होते जा रहे हैं हमारे ट्राइब से राइट तो वो चंगेज खान कोड ऑफ लॉ है अब मंगोल पीपल ने क्या करा लॉ गिवर बोल दिया है ना जैसे कि सोलोमान था इसने भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसने भी बहुत रूल्स बनाए थे जो लोगों ने फॉलो की तो ऐसी चंगेज़ खान को क्या बोल दिया भाई लॉ गिबर है ये हमारे लॉ देकर गया तो लोगों को लगा अगर हम यासा को फॉलो करेंगे ना तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो एकदम से हम लोग बचा के रख पाएंगे ठीक है समझ में आया तो यासा क्या हो गया एक तरीके से मंगोल पीपल का Uh, एक तरीके से ये मान लो कि उन्हें पता था कि भाई भले ही हम लोग अलग अलग भी है ना तो एक कॉमन शेयर्ड बिलीफ है हमारा जो कि है यासा यानी कि अगर ये जो सेट ऑफ रूल्स है ये यासा के सेट ऑफ रूल्स है अगर हम इसे फॉलो करेंगे दैट मीन्स कि हम सब जुड़े हुए हैं है ना और ये एक तरीके से हमारी लॉयल्टी भी है टूवर्ड्स चंगेज खान समझ में आया अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि हम जिन लोगों को जो डिफीटेड सब्जेक्ट्स है ना जो लोग हार भी रहे हैं उन पे भी हम ये लॉ अपना इम्पोज कर सकते हैं है ना ये यासा को इम्पोज कर सकते हैं जो भी हम लोग मान लो हम एक्स जगह से लड़कर आए उस जगह को हमने अपने अंडर ले लिया ना तो हम उस पर भी ये लॉ इम्पोज कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि मेंटेन करने के लिए कि भाई हाँ हमारी भी कोई आइडेंटिटी है हमारा भी कोई कल्चर है समझ में आया इतना ऑल राइट right. तो अब क्या हुआ बच्चों इट वॉज एन एक्सट्रीमली एम्पावरिंग And आप कैद किया हो बट ये तो जरूर है कि उसकी विजन में कुछ तो बात थी कि उसने इतने आगे का सोचा और इतना इम्पॉर्टेंट रोल इस यासा ने प्ले करा मंगोल को यूनिवर्सल लेवल पे उसकी पावर को फैलाने के लिए समझ में आया अब बच्चों हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए हैं तो बोलता है? बोलता है कुछ लोग डिस्ट्रॉय कर दी कुछ उसे बोलेंगे कि वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो की रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए हजारों लोगों की अलग अलग लोगों अलग अलग चीजों से लोग उसे याद करेंगे बट बहुत सारे थर्टींथ सेंचुरी में जो रेजिडेंट्स थे जो चाइना के टाउन्स में रह रहे थे ईरान में रह रहे थे ईस्टर्न यूरोप में रह रहे थे वो लोग क्या करते थे ये जो स्टेपीज स्टेपीज मतलब ये जो नोमैड्स है ना इनकी तरफ हॉर्ड्स मतलब क्राउड ये जो भीड़ है किसकी भीड़ नोमैड्स की भीड़ इनको कैसे देखते थे ये जो लोग थे चाइना के ईरान के और यूरोप के ये देखते थे घृणा से है ना और डर से इन्हें डर लगता था यानी कि इनके मन में डर कही कहीं ना कहीं चंगेज खान ने बिठाया था एंड येट फॉर द मंगोल्स बट मंगोल्स के लिए अगर आप देखोगे तो चंगेज खान एक ग्रेटेस्ट लीडर है क्यों उसने यूनाइट किया सारे के सारे मंगोल पीपल को दूसरी चीज उसने जो छोटे मोटे इनके बीच के वॉर चल रहे थे उनसे इन्हें फ्री करा

अलग अलग पर्सपेक्टिव की कि भाई दूसरे देशों के लिए वो बुरा है और मंगोल्स के लिए वो अच्छा है ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि कैसे अगर हम खाली दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें मंगोल खान बुरा लगने लगेगा बट अगर हम मंगोल के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें वो कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगेगा राइट तो बोला है कि ये जो सीडेंट्री मतलब ये जो परमानेंट लोग थे यानी कि चाइना के है ना ईरान के जो डिफीटेड लोग थे इनके ओपिनियन से अगर हम पर हटके देखें और ये सोचें कि जो मंगोल हैं उन्होंने अपना राज्य कितना ज़्यादा फैला लिया था थर्टीनथ सेंचुरी में अगर हम ये देखें कि कितने डिफरेंट फे अब यार एक बात बताओ मैं हूँ मैंने मेरा राज्य फैला लिया अब इतने राज्य में इतने सारे लोग हैं सबके अलग फेथ हैं है ना चंगेज खान ने कभी अपना रिलीजन किसी पे इम्पोज नहीं किया ये बता रहा है कि अलग अलग फेथ थे भाई इवन वो बोल रहे हैं खुद मंगोल्स में ही अलग अलग भगवान को वो मानते थे कुछ बुद्धिस्ट थे कुछ च्यमन थे कुछ क्रिश्चियन थे है ना इवेंचुअली इस्लाम के लोग भी थे कभी भी चंगेज खान ने या मंगोल्स ने दूसरे लोगों पर भी अपने बिलीफ नहीं थोपे ये यहाँ पर लिखा हुआ है मंगोल रूलर्स ने क्या करा ऐसा नहीं है कि जो दूसरे लोगों को लाया उन्हें टॉर्चर करा उन्हें भर्ती करा है ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती करा राइट right? तो ये सब में हमने देखा और उसमें ऐसा भी नहीं था कि रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव था नहीं डिफरेंट एथनिक ग्रुप डिफरेंट रिलीजन के लोगों को भी उसने भर्ती करा तो एक मल्टी एथनिक मल्टी लिंग्वेल अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले इन सब इन सब लोगों को उसने अपने अंडर रखा और ये वो डरा नहीं किससे प्लूरेटी से, से. यानी कि इतने डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से उसने कभी भी अपना रिलीजन नहीं थोपा यह चीज उसके बारे में यहाँ पर बेटा जी दिखाई गई है अब नेक्स्ट चीज क्या है द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द मंगोल्स एंड एनी नोमैडिक रिजाइम मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन दैट लेड टू द अब यहां पर क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि ये जो पहले फ्रेगमेंटेड ग्रुप्स थे अलग अलग ग्रुप थे है ना इनमें कहीं से तो इनके दिमाग में आया होगा कहीं तो एम्बिशन होगा कि हमें एक होना एम्पायर क्रिएट करना है अलग अलग ट्राइब्स में कोई ना कोई तो ऐसा था ना जिसके दिमाग में ये बात थी तो बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए जानना इम्पॉसिबल है कि वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई क्यों क्योंकि इन्होंने अपने इतिहास के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है अलग से डॉक्यूमेंटेशन किया ही नहीं है तो हमें वो इंस्पिरेशन नहीं पता कि इन्हें वो इंस्पिरेशन एक्चुअल में कहाँ से मिली बट बाय द एंड ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी फोर्टीन सेंचुरी के एंड में बच्चों एक आदमी था एक रूलर था टाइमर नाम का जिसका मन था कि वो चंगेज खान जैसा बने यूनिवर्सल लेवल पे है ना पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर करे बट वो हेजिटेट कर रहा था डर रहा था क्यों ये डिक्लेयर करने का बिकॉज ही वॉज नॉट दंगेज खान डेन वो चंगेज खान की फैमिली से नहीं था उसका बेटा या उसका ग्रैंड सन नहीं था तो सोचो उनकी सुप्रीमेसी कितनी थी कि एक डिफरेंट रूलर डर रहा है अपने आप को एज मुनार्क एस्टैब्लिश करने के लिए कि मैं यूनिवर्सल लेवल पे रूल करना चाहता हूँ उसने कब डिक्लेयर करा जब वो सन इन लॉ बन गया उसकी बेटी से शादी वादी कर ली होगी सन इन लॉ बन गया तो अपने नाम के साथ पहले चंगेज खान का नाम जोड़ा कि मैं उसकी फैमिली का हूँ अब मैं यूनिवर्सल लेवल पे रूल करना चाहता हूँ तब वो फोर फ्रंट पे आया तो यहाँ पर सुप्रीमेसी दिखा रखी है उन लोगों की आज की बात हो रही है कि आज अब यूएसएसआर के कंट्रोल से हटने के बाद जब मंगोल अपनी एक अलग कंट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं रिक्रिएट कर रहे हैं खुद को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन है ना तो भले ही वो चंगेज़ खान को पब्लिकली अप्रिशिएट ना कर रहे हों ठीक है पब्लिकली उसके बारे में बात ना कर रहे हो बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अभी भी अगर वो आज एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आ रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है चंगेज खान एक और बार उनके लिए आइकॉनिक फिगर बनकर आया है कि एक बारी पहले भी उसने हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाया था और अब भी वो कहीं ना कहीं उनके लिए इंस्पिरेशन है ये बात यहाँ पर लिखी है और यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ नोमैडिक एम्पायर समाप्त ठीक है बच्चों पार्टी सो दैट सॉल्व फॉर दिस लेक्चर ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो तो फाइनली एंड uh, कर रही हूँ मैं रात के दो बज रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ शुरू मैंने ये बहुत घंटे पहले किया था बट ऑब्वियसली थोड़ा जब भी आप किसी बड़े चैप्टर को शॉर्ट बनाते हो तो आपको खुद से बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है तो या बट इट्स ऑल वर्थ इट फॉर यू गाइज Now, thank you so much. I'll see you guys later. Bye-bye. Take care of yourself. Do let me know in the comment section after lecture.